आप सभी का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन भारतीय जैन संगठन की ओर से और भारतीय जैन संघना के माइनॉरिटी नॉलेज सेंटर की तरफ से जैसा कि आपको सूचना दी गई थी आज का ये विशेष वेबिनार या विशेष कार्यशाला अल्पसंख्यक संवैधानिक अधिकारों पर के विषय पर है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला है आज हम इस प्रस्तुति में किन मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं चर्चा करने वाले हैं आइए उस पर एक दृष्टिपात करते हैं क्योंकि हम आज अल्पसंख्यकों के धार्मिक संवैधानिक अधिकारों पर बात कर रहे हैं और अधिकारों को समझने के लिए क्योंकि ये थोड़ा सा कानूनी विषय भी है आ, हमें अल्पसंख्यकता की या माइनॉरिटी की पृष्ठभूमि में जाने की आवश्यकता होगी साथियों सर्वप्रथम हम माइनॉरिटी का अर्थ क्या है इसकी परिभाषा क्या है और जैन संदर्भ जैन समाज के संदर्भ में इसकी परिभाषा क्या है उस पर आ, चर्चा करेंगे और ये माइनॉरिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अधिकार क्षेत्र में केंद्र सरकार के भी है और राज्य सरकारों के भी अधिकार क्षेत्र में है तो उस पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजियस राइट्स हैं उन पर हम बहुत गहन या पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमें किस तरीके के अधिकार मिल रहे हैं और इन अधिकारों को के परिपूर्णता में केंद्र सरकार या भारत सरकार और राज्य सरकारें किस तरह की स्कीम फॉर बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज लेकर आई है या ऐसी कौन सी स्कीम जिनसे हमारे अधिकार परिपूर्ण होते हो उस पर चर्चा होगी और इन सब में जैन समाज कहाँ खड़ा है यानी हम कितना लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं या लेने की स्थिति में है या नहीं है और नहीं है तो क्यों नहीं है उस पर भी हम चर्चा करेंगे ये एक ब्रेन होगा जिसे हमें समझना बहुत आवश्यक है और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हम किस तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकारों से अपने अपने राज्य में हम ये अधिकार मांगे क्योंकि अधिकार दिए नहीं जाते अधिकार मांगे जाते हैं ये हमारे देश की प्रणाली का है और हम अधिकार किस तरीके से मांगे उस पर जो है गहन चिंतन हम आज इस प्रस्तुति में भी करेंगे और अंत में हम बात करेंगे नेशनल सेंसस वर्सेज जैन पॉपुलेशन बहुत ही क्रूशल विषय है और कौन करंट विषय है क्योंकि अब नेशनल सेंसस के लिए सरकार ने भी घोषणा कर दी है कि ये अब इस पर काम शुरू होगा तो हमें क्या करना है इस संदर्भ में उस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों भारतीय जैन संगठन पिछले सात वर्षों से अल्पसंख्यक विषय पर कार्यरत है और इसने बीजेएस uh, यानी भारतीय जैन संगठना माइनॉरिटी मिशन के तहत uh, हमारे उद्देश्य क्या है या हमारे क्या है आइए उस पर एक संक्षिप्त में दृष्टिपात करते हैं संपूर्ण देश जैन समाज को कम्युनिटी uh, माइनॉरिटी विषय पर एजुकेट करना उन्हें जो है शिक्षित करना या इस विषय से जो है उन्हें परिचित करवाना अवगत करवाना यह हमारा बीजेस माइनॉरिटी मिशन का प्रथम उद्देश्य है और जितने भी राइट्स एंड बेनिफिट्स हैं उन्हें प्रोपोगेट करना प्रोपोगेट यानी उन्हें जो है जन जन तक जैन समाज के प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना और सिर्फ वो राइट्स एंड बेनिफिट्स को सिर्फ जैन समाज के परिवारों तक ही नहीं पहुंचाना बल्कि उसके संदर्भ में जितनी भी गाइडेंस हमारे से बन सकती है या सहायताएं बन सकती हैं कुछ लाभों को लेने के लिए अधिकारों को लेने के लिए उस पर भी काम करना सरकार बजट बनाती है हर योजना का एक बजट होता है और कम्युनिटी वाइज जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको वो बजट एलोकेट होता है तो जितना भी बजट हमें मिल रहा है वो हम कंज्यूम कर लें, लेजॉर्ब कर लें वो भी हम सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं हमारे इन सब विविध प्रयासों से और रिलीजियस राइट्स को क्लेम कैसे करें उस पर जो है पूरा मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं और आज का हमारा ये वेबिनार या कार्यशाला इसी उद्देश्य की मुख्य कड़ी है या जो है एक कड़ी है और जैन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप जानते हैं कि पूरे देश में तीन हजार से अधिक जैन शिक्षण संस्थाएं हैं और उन्हें बहुत सारे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं बहुत सारे लाभ मिलते हैं तो उसके लिए भी प्रोपोगेशन हम जैन शिक्षण संस्थाओं में राज्यवार हमने बहुत सारे कार्यशालाएं की हैं जिनमें उन्हें इससे परिचित कराया है कि आप किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं का बहुत बड़ा बजट होता है तो वो बजट जो है किस तरीके से जैन समाज या से जैन समाज के विद्यार्थी लाभान्वित हो उसके लिए हमारा मात्र मार्गदर्शन ही नहीं अपितु हम प्रैक्टिकल व्यवहारिक सेवाएं विद्यार्थियों को पिछले तीन वर्षों से और गाइडेंस का काम पिछले सात वर्षों से कर रहे हैं। साथ ही ये, ये, कुछ हमने किया बीजेएस माइनॉरिटी मिशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर अब हम सीधा आते हैं माइनॉरिटी क्या है मित्रों ये समझना बहुत आवश्यक है यदि हमें अधिकारों को समझना है एक अनफोर्चुनेट पार्ट है जैन समाज के लिए कि अभी तक भी हम में से अधिकांश ने माइनॉरिटी क्या है इस विषय पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है यदि हमने थोड़ा बहुत ध्यान दिया भी है तो वो लाभों के संदर्भ में दिया है अधिकारों के संदर्भ में नहीं दिया है लेकिन एक कॉमन मेंबर ऑफ जैन कम्युनिटी आज भी इससे जो है वाकिफ नहीं है परिचित नहीं है साथियों देखिए अल्पसंख्यक कौन हो सकते हैं ये एक यज्ञ प्रश्न है तो इसका उत्तर है कि ऐसी कम्युनिटीज जिन्हें भारत सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग उन्नीस सौ के तहत अल्पसंख्यक घोषित करे मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अल्पसंख्यक वो कहलाएंगे या वो होंगे जिन्हें भारत सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग उन्नीस सौ के तहत अल्पसंख्यक घोषित करे और इसमें अब तक छह धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है जिसमें मुस्लिम्स क्रिश्चियस सिख बौद्ध पारसी और अंत में 27 जनवरी 2014 को जैन समाज को ये माइनॉरिटी का दर्जा मिला अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि माइनॉरिटी क्यों इसकी आवश्यकता क्या है इसके उद्देश्य क्या है वो हमें समझने की जरूरत है और जैन समाज को तो स्पेशली और विशेष रूप से इसे समझने की आवश्यकता है ही क्योंकि ये जैन समाज में अभी हम आगे चर्चा करेंगे विवाद का विषय रहा है कुछ इस 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 विषय को लेकर काफी समाज में भ्रम रहे हैं तो वो ये हमें बहुत समझना आवश्यक है कि वाई माइनॉरिटी मित्रों माइनॉरिटी के प्रोविजन सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर जो है माइनॉरिटीज बसती हैं और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार लगभग लगभग पूरे विश्व में 10 से 20 प्रतिशत दस से बीस प्रतिशत जनसंख्या तो समझने की आवश्यकता है कि माइनॉरिटी से क्या उद्देश्य सिद्ध होते हैं माइनॉरिटी के प्रावधानों से क्या उद्देश्य जो है वो सिद्ध होते हैं साथियों पूरे विश्व में लगभग लगभग 200 देश हैं उनमें जो शासन प्रणाली है वो किसी भी तरह की हो चाहे वो सामंतवादी हो साम्यवादी हो लोकतांत्रिक हो राजा वहां पर हो या फिर जो है तानाशाह हो लेकिन हर शासन प्रणाली का जो प्रथम कर्तव्य है या दायित्व है कि उसके देश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और हमारे देश में भी संविधान निर्माताओं ने ये जो प्रोविजन माइनॉरिटी का लाया उसके पीछे उद्देश्य ये था कि हमारे देश में जो है विविधता विविधताओं का देश है इसमें बहुत सारे धर्म, धार्मिक समुदाय हैं, जातियां हैं प्रजातियां है, उपजातियां है, पिछड़ी जातियां हैं इन इनको जो है देना, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ये आवश्यक था क्योंकि 1950 में जो देश की स्थिति थी उसमें बहुत ज्यादा गरीबी थी बहुत ज्यादा पिछड़ापन था तो इन प्रावधानों से उन्हें ये सामाजिक सुरक्षा देने का जो है नि, निर्धारित किया गया मित्रों जहां तक जैन समाज की बात है देखिए जैन समाज के संदर्भ में मैंने जैसा कहा ये, कि ये विवाद का विषय रहा है अल्पसंख्यकता लेकिन जैन समाज के लिए ये कितनी आवश्यक है ये हमें समझना पड़ेगा कहीं भी आ, मित्रों आ, हम आ, पूरे देश में आ, ट्रेवल करते हैं मैं इस कार्यक्रम को लेकर पिछले सात सालों में पूरे देश में मैंने भ्रमण भी किया है और ढाई सौ के आसपास वर्कशॉप्स को मैंने एड्रेस किया है इस विषय के ऊपर और मैं एक विद्यार्थी हूँ सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी भी हूँ और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ जैन समाज की जो सोशल फैब्रिक है जैन समाज का ताना बाना है वो किस तरीके का है आर्थिक स्थितियाँ क्या है शैक्षणिक स्थितियां क्या है समाज की उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है उस पर जो है मैं अध्ययन भी करते हैं हम सर्वे भी करते हैं और उसको ये भी करते हैं हमारा जो निष्कर्ष है कि पूरे देश के जैन समाज में चारों पंथों एक पंथ नहीं चारों पंथों का पूरे देश के जैन समाज में लगभग तीस प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा उसके आसपास या उसके नीचे निर्वहन सुरक्षा की बात की थी कि सरकार का उत्तरदायित्व है कि उसके नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे लेकिन जब समाज की बात आती है तो समाज का जो है वो मुख्य उद्देश्य यही है कि उसके नागरिकों को उसके सदस्यों को मात्र सदस्य नहीं मैं उन्हें पार्टनर कहूंगा कि वो समाज के भागीदार होते हैं उन्हें जो भी मन है उन्हें जितनी सामाजिक सुरक्षा देनी हो या आवश्यक हो वो देनी पड़ेगी लेकिन हमारे जो समाज का इंफ्रास्ट्रक्चर है जैन समुदाय का वो मंदिरों और स्थानकों से कंट्रोल्ड है और उसमें किसी भी तरह की सामाजिक गतिविधियां या सामाजिक सुरक्षा देने का कहीं भी स्पेस या स्कोप नहीं है ये एक कटु सत्य है जिससे आप सभी परिचित हैं अवगत हैं और जब समाज उसके सदस्यों को जो जरूरतमंद है जो गरीबी रेखा के आसपास जीवन यापन कर रहे हैं यदि उन्हें समाज संभालने को तैयार नहीं है तो फिर सरकार यदि कोई प्रावधान कर रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि ये प्रावधान का जैन समाज के हित में है क्योंकि 30 प्रतिशत जनसंख्या जैन समाज की वो एक बड़ी जनसंख्या होती है जो जिन परिस्थितियों में रहती है उनका शैक्षणिक आर्थिक और सामाजिक उत्थान विकास करने की आवश्यकता है और यदि जैन समाज उसका उत्तरदायित्व तो नहीं लेता है और हमने प्रैक्टिकली देखा है कि कुछ अपवादों को छोड़कर नहीं लेता है और यदि सरकार इसके लिए प्रयासरत है उनका उत्तरदायित्व तो भी है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए अल्पसंख्यक विषय कुछ वाद विवाद का भी रहा है विवाद का विषय रहा है कुछ इस इस विषय पर या माइनॉरिटी शब्द पर बहुत ज्यादा भ्रम फैलाया गया है कुछ शंकाएं कुशंका रही है और उसकी वजह से आज भी हम अल्पसंख्यक विषय को सब सही तरीके से समझना नहीं चाहते हैं मित्रों आपको याद हो तो आज से कोई तीस पैंतीस वर्ष पूर्व जैन समाज ने ये प्रयास किए कि हमें अल्पसंख्यकता का दर्जा मिले इसके लिए कुछ साधु संत जो राष्ट्रीय स्तर के थे या फिर ऐसे सामाजिक नेतृत्वकार उन्होंने ये प्रयास आज से पैंतीस वर्ष पूर्व शुरू किए और उनका जो है विजन ये था कि हम तो जो है प्राकृतिक रूप से स्वतंत्रता काल से ही माइनॉरिटी में है क्योंकि हमारी जनसंख्या कुल देश की जनसंख्या में कभी भी आधा प्रतिशत से अधिक नहीं रही उन्नीस में भी हम आधा प्रतिशत से कम है और आज भी हम आधा प्रतिशत से कम है लेकिन इसका विरोध कुछ नेताओं ने किया कुछ साधु संतों ने किया उनका ये कहना था कि हम जो है ये माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं लेंगे उनके विरोध करने के दो कारण थे जिसमें एक कारण तो ये था कि यदि हमने ये स्टेटस लिया तो हम उन लोगों के साथ खड़े कर दिए जाएंगे जो शेड्यूल कास्ट हैं शेड्यूल ट्राइब हैं ओबीसी हैं और ये हमारी सामाजिक स्थिति उनके समकक्ष नहीं होनी चाहिए वो हमारे लिए जैन समाज के लिए शोभास्पद नहीं होगा मित्रों देखिए Uh, दो प्रोविजन है uh, संविधान में एक तो माइनॉरिटी का जिस पर अभी हमने चर्चा की उसका अर्थ भी समझा और दूसरा प्रोविजन जो है वो रिजर्वेशन का है तो रिजर्वेशन का जो बेस है उसका आधार है जो संविधान में लिखा हुआ है वो Uh, जाति के आधार पर है या प्रोफेशन के आधार पर है ओबीसी को जो दर्जा मिलता है वो प्रोफेशन के आधार पर मिलता है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को कास्ट के आधार पर जो है ये दर्जा मिला हुआ है रिजर्वेशन की फैसिलिटीज मिली हुई है तो दोनों का आधार अलग है माइनॉरिटी का जो आधार है वो धार्मिक है जबकि रिजर्वेशन कैटेगरी वालों का जो आधार है वो जा जाति है या प्रोफेशन है तो कहीं जो है हम उनके समकक्ष आ गए हों ऐसा कहीं लगता नहीं है देखिए 27 जनवरी 2014 को हमें ये दर्जा मिला आज सात साल होने जा रहे हैं लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा कि हमारी सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन आया हो ऐसा सचमुच नहीं हुआ है इस बात से आप भी परिचित हैं इसलिए जिन्होंने विरोध किया कुछ कल्पना करके या अनुमान लगाकर उनका अनुमान गलत बैठा है और इसकी वजह से जो दर्जा हमें कई वर्षों पूर्व मिल जाना चाहिए था वो हमें 27 जनवरी 2014 को मिला जिसकी वजह से समाज के विकास में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है जिसकी हम कभी उसको इवेल्युएट भी नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे समाज का सब्जेक्ट ही नहीं रहा है मित्रों दूसरा जो है ये जो माइनॉरिटी मिलती है ये धर्म के आधार पर मिलती है आ, कुछ धार्मिक समुदायों को जो है ये माइनॉरिटी दी जाती है और भाषा के आधार पर भी मिलती है क्योंकि हम संवैधानिक अधिकारों की बात करने जा रहे हैं आज तो ये विषय को समझना भी आवश्यक है आ, ये भाषा के आधार पर देखिए सरकार जिन आ, धार्मिक समुदायों को आ, अल्पसंख्यकता का दर्जा देती है चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो वो धर्म के आधार पर देती है लेकिन हम लोग ये ये तो ये दर्जा तो सरकार देती है हम सरकार से मांग नहीं सकते क्लेम कर सकते हैं मांग सकते हैं लेकिन हमारा जो है सरकार यदि कंसिडर करे तो ही हमें मिलेगा जैसे जैन समाज मांग रहा था और बहुत वर्षों बाद मिला तो जब सरकार ने यह निश्चित किया कि इन्हें माइनॉरिटी का दर्जा देना है धर्म के आधार पर तभी हमें वो दर्जा मिला लेकिन भाषा के आधार पर हम यदि एक एग्जाम्पल से समझें कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं और अलग अलग जाति धर्मों के लोग हैं महाराष्ट्रियन भाषा बोलने वाले लोग हैं और यदि हम तमिलनाडु के अंदर जाकर बस जाएं और अगर हम एक स्कूल खोलें तो उस स्कूल को भाषा के आधार पर माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है क्योंकि हम जितने महाराष्ट्रियन वहां पहुंचे हैं वो वहां पर तमिल तमिलियंस के बीच में हम माइनॉरिटी में है जनसंख्या के आधार पर इसलिए लेकिन वो सिर्फ शिक्षण सि, संस्थाओं को ही वो दर्जा मिलता है ये आपकी सूचना के लिए है साथियों देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे सामाजिक स्थितियों में क्या कोई परिवर्तन आया है अल्पसंख्यकता का दर्जा लेने के बाद मित्रों उत्तर है नहीं और ये एक आपकी सूचना के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आ, राज्यों ने ये दर्जा हमें बहुत पहले से देना शुरू किया क्योंकि जैसा अभी मैंने कहा कि ये राज्य की भी अधिकार विषय में है और केंद्र सरकार के भी अधिकार विषय में है केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदायों को देश की कुल जनसंख्या के अनुपात में यदि वो कम है तो द, दर्जा देती है इसी तरीके से कोई राज्य यदि उसका कोई भी धार्मिक समुदाय यदि वो अल्पसंख्यक है तो राज्य सरकार उसको दर्जा देती है और ये केंद्र सरकार ने तो जैन समुदाय को दर्जा 2014 में दिया लेकिन आप यहाँ देखिए मध्य प्रदेश ने 2001 में छत्तीसगढ़ ने 2002 में उत्तर प्रदेश उत्तरांचल राजस्थान ने 2003 में महाराष्ट्र ने 2004 में इस तरीके से लगभग 15 राज्यों ने ये दर्जा 27 जनवरी 2014 के पहले मित्रों यहाँ मुझे थोड़ा सा दुख के साथ ये भी कहना है कि मैं जब फिजिकल सेमिनार्स में पिछले छह सात सालों में गया और मैंने जिन राज्यों में गया वहाँ जो मेरे सामने हमारे ऑडियंस थे या जैन समाज के सदस्य थे उनसे पूछा कि क्या आपको पता है कि आपके राज्य में ये सरकार ने आपकी राज्य सरकार ने ये दर्जा आपको कब दिया है लेकिन मुश्किल से सो में से एक या दो व्यक्ति ही उन्हें ये पता है कि हमें दर्जा मिला है और उसके बाद यदि योजनाओं की बात करें कुछ लाभों की उनसे बात करें तो उसके बारे में उनको कोई ए बी सी डी भी जो है उसकी जानकारी नहीं है ये जैन समाज जो एक शिक्षित समाज है उच्च शिक्षित समाज है सुसंस्कृत समाज है यदि उसकी ये स्थिति है कि वो कुछ जानना नहीं चाहता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है इसमें से हमें कहीं बाहर निकलकर आने की आवश्यकता है उन तीस प्रतिशत परिवारों के लिए जो गरीबी रेखा के आसपास या नीचे रहते हैं मित्रों इसका मीनिंग और डेफिनेशन क्या है माइनॉरिटी की आई है उस पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकता को परिभाषित नहीं किया गया ये एक विचित्र सी बात अवश्य है कहीं ऐसा ना समझें कि भाई परिभाषा ही नहीं है तो कुछ भी मेंशन नहीं है बहुत सारे अभी हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो संवैधानिक अधिकारों माइनॉरिटीज के धार्मिक संवैधानिक अधिकार क्या है इसका मतलब संविधान में वो सब लिखे हुए हैं लेकिन भारत या संविधान निर्माताओं ने इसकी परिभाषा परिभाषित करने के लिए प्रयास नहीं किए या किए होंगे तो सफलता नहीं मिली होगी इसलिए उसको छोड़ दिया गया है और इतना ही नहीं जैसा मैं अभी कह रहा था कि पूरे विश्व में 10 से 20 प्रतिशत या हर देश के अंदर माइनॉरिटीज हैं लेकिन वहां भी इसकी क्लियर परिभाषा नहीं है यूनाइटेड नेशंस अल्पसंख्यक एजेंडा पर काम करता है उनकी भी जो है कोई पूरी या क्लियर डेफिनेशन वो भी नहीं दे सके हैं लेकिन ये देखिए इन नंबर एंड कम्युनिटी मस्ट बी इन ए नॉन डोमिनेंट पोजिशन ये यूनेस्को या यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दी गई परिभाषा है कि ऐसे समुदाय जिनका अन्य समुदायों को वो डोमिनेट ना करते हों तो वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे साथियों यदि न्यूमरिकल आधार पर जाए या जो सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो कुछ जजमेंट दिए और उनसे इसकी जो व्याख्या हुई उससे जो है इस तरीके के आदेश सामने आए कि यदि कोई राज्य उनकी राज्य की जनसंख्या के आधार पर ऐसे किसी समुदाय को जिसकी जनसंख्या उस राज्य में पचास प्रतिशत से कम है तो राज्य सरकार उसे अल्पसंख्यकता का दर्जा दे सकती है किसी धार्मिक समुदाय को ये जो है इसके आधार पर ही अभी तक छह कम्युनिटीज को यह दर्जा दिया गया है साथियों डेफिनेशन की बात करें और आज जहां तक मुझे ध्यान में है कि बहुत सारे या अधिकांश प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं आज हमने ये प्रयास किया था कि इस वेबिनार में जैन समाज का प्रबुद्ध वर्ग जुड़े और उनकी जानकारी के लिए किस डेफिनेशन को लेकर या इसमें जो विवाद है राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक विषय को लेकर उसमें मिस्टर अश्विन उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग को आदेश दिया कि तीन महीने की अवधि में आप इसकी जो है क्लियर परिभाषा हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए लेकिन ने, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी इसकी परिभाषा जो है वो कहीं नहीं लिख पाया और अल्टीमेटली अभी 2020 के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को यह आदेश दिए कि आप इस ये मैटर को हाई कोर्ट में ले जाइए यानी कहने का अर्थ ये कि हमारे देश में भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी इसकी परिभाषा जो है वो निर्धारित नहीं हो सकी मित्रों जैन समाज की जहां तक बात करें तो देखिए हमारी जनसंख्या जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था बहुत कम है और वो कुल आबादी की आधा प्रतिशत से भी कम है 2001 की जनगणना को यदि ध्यान में लें तो पूरे देश की आबादी लगभग लगभग 100 करोड़ आई थी और उसमें हमारी आबादी या जनसंख्या 40 लाख थी उसके यदि अनुपातिक जनसंख्या देखें तो वो पॉइंट परसेंट बनती है और 2011 की जो जनगणना हुई उसमें हमारी आबादी 40 लाख से कुछ बढ़कर साढ़े लाख तो हुई लेकिन हम जो है देश की कुल आबादी के अनुपात में हमारा अनुपात घट गया अब वो जो है पॉइंट जीरो थ्री सिक्स परसेंट मित्रों ये जो है एक गंभीर मुद्दा है इसे समझने की भी आवश्यकता है और यदि इसे आप दोबारा से पढ़ें इस एक सेंटेंस को कि 2001 में हम पॉइंट फोर जीरो परसेंट थे और 2011 में जन अब अब हम पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में उमड़ने घुमड़ने लगेंगे कि ऐसा क्यों क्या ये जो पॉपुलेशन आई है 2011 के सेंसस में साढ़े चौवालीस लाख की क्या ये पॉपुलेशन सही है ये आंकड़ा सही है क्या तो निश्चित रूप से इसका जवाब है क्योंकि जब मैं फिजिकल सेमिनार करता था और लोगों से ये पूछते थे कि आप मानते हैं ये सही है तो सब ये कहते थे कि नहीं 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 ये शायद आंकड़ा सही नहीं है तो फिर प्रश्न ये होता है कि यदि ये आंकड़ा गलत है तो सही आंकड़ा क्या है और सही आंकड़ा क्यों नहीं आता है और सही आंकड़ा नहीं आता है तो इसके पीछे कारण क्या है और अब सही आंकड़ा आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मित्रों देखिए ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है जैन समाज के लिए कि हमने इस विषय को आज तक गंभीरता से लिया नहीं इस ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए जैन समाज के लिए कि उसकी कभी भी किसी भी जो हर दस साल के अंदर जनगणना होती है उसमें हमारा आंकड़ा कभी सही आया ही नहीं और हमने इसको कभी तहरीज दी ही नहीं कि हमारा आंकड़ा सही आ जाए मित्रों एक इमारत यदि उसमें अंधेरा व्याप्त है तो वो जो है धीमे धीमे खंडर बनने लग जाती है यदि वो ये समझे कि ये अंधकार जो है ये सत्य है और कुछ इसी तरीके का सत्य हम भी मान के चले हैं कि जो भी सरकार देती है वो हमारा सही आंकड़ा है और मित्रों ये कहीं हमारी जड़ों को हिला रही है हमारी एग्जिस्टेंस पे बहुत बड़ा खतरा जो है मंडरा रहा है चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो प्रशासनिक रूप से हो चाहे वो समाज का जो आ, सोशल फैब्रिक है उसके कंसिडरेशन में हो तो हमारे हमारी एग्जिस्टेंस को बहुत बड़ा खतरा है इस पर हमें कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है साथियों यदि हम ऐसा कर सके अभी अगली सेंसस बहुत कुछ महीनों के अंदर उसका काम शुरू होने वाला है यदि हम अभी भी समझें और हम थोड़े से अलर्ट हो जाए समाज के प्रति हमारी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें तो निश्चित रूप से मानना कि हम उस आंकड़े पे पहुंच जाएंगे जो हमारा रियल आंकड़ा है और उससे हम कितने लाभान्वित होंगे इसकी चर्चा हम इस प्रस्तुति में आगे भी करने वाले हैं साथियों अब हम आते हैं राइट्स एंड बेनिफिट्स के ऊपर किन किन क्षेत्र क्या क्षेत्र हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां हम लाभ ले सकते हैं तो सर्वाधिक लाभ या अधिकार जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को आ, काफी, आ, यूज बेनिफिट्स हैं बिजनेस क्लास व्यापारियों के लिए भी कुछ योजनाएँ हैं माइनॉरिटी में महिलाओं के लिए उनको उनके सामाजिक उत्थान विकास उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा काफ़ी योजनाएं चलाई जाती हैं एन को भी कुछ लाभ है इस तरीके से ये आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो माइनॉरिटी रिलीजियस राइट्स एंड बेनिफिट्स पर चर्चा करेंगे और उसमें भी हमारी प्रमुखता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजियस राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज रहेगी और साथियों बाईं बाजू आप देख रहे हैं कि ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो है चित्र है इसमें जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी यानी न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व ये भारतीय संविधान की आत्माएं हैं और इन्हें हमें समझना आवश्यक है यदि हम अधिकारों को समझने का प्रयास करें साथियों ये एक अनफॉर्चुनेटी पार्ट कहेंगे हम हमारे लिए कि हमने संविधान को समझने का बहुत अधिक प्रयास कभी किया नहीं है उसे ढंग से पढ़ा भी नहीं है लेकिन हम स्वयं जो है, कुछ है और हमारी नई पीढ़ी को तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन से परिचित करवाए ये हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है साथियों अब हम जो मुख्य विषय है कि क्या क्या धार्मिक संविधानिक अधिकार हमें मिले हैं उन पर हम चर्चा करें ये आर्टिकल २९ है यानी अनुच्छेद २९ भारतीय संविधान का इसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के आ, हितों की रक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो आर्टिकल के अंदर लिखा गया है अधिकारों में दिया गया है तो ये अल्पसंख्यकों को, को मौलिक अधिकार के रूप में हमें प्राप्त हुआ है इसके उन्तीस एक में क्या लिखा हुआ है कि आ, ऐसा कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय का जो देश के किसी भी कोने में रहता हो वो उसकी विशिष्ट भाषा लिपि और संस्कृति के जतन का अधिकार है। ये बहुत बड़ा अधिकार है ये हमने शायद समझा नहीं लेकिन जिन्होंने समझा उन्होंने बहुत बड़ा लाभ लिया मैं इसका एक एग्जाम्पल दू कि भाषा की विकास के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सब कुछ करने को तैयार इसका उदाहरण जो है मदरसा हो सकते हैं देखिए मदरसा में उर्दू पढ़ाई जाती है उर्दू के विकास के लिए और उनकी जो आने वाली पीढ़ी है या नई पीढ़ियां हैं वो उनकी भाषा से सदैव परिचित रहे इसके लिए पूरे देश के अंदर मदरसा जो का जाल बिछा हुआ है और करोड़ों करोड़ों रुपए जो है उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त तो ये इतना बड़ा अधिकार है इस अधिकार को हमें समझने की आवश्यकता है मित्रों ये इसके साथ हम कुछ दूसरे अनुच्छेदों को देखेंगे और उन्हें जो है ये आर्टिकल 29 से लिंक करेंगे कि हमारे जो ये अधिकार हैं ये विशेषाधिकार के रूप में किस तरीके से परिवर्तित हो रहे हैं देखिए ये आर्टिकल 26 है संविधान का अनुच्छेद 26 और इसके अंदर ये लिखा है कि सदाचार लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य के मद्देनजर कोई भी व्यक्ति या समुदाय कोई भी धार्मिक समुदाय वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या चैरिटेबल पर्पज के लिए के इंस्टीट्यूशंस खोल सकता है स्टेब्लिश कर सकता है और उनको आ, ए, उसके अफेयर्स को वो मैनेज भी करेगा यानी प्रबंधन भी उसके पास रहेगा और ऐसे संस्थान चल अचल संपत्ति का भी क्रय कर सकेंगे वो परचेज कर सकेंगे या एक्वायर कर सकेंगे और ऐसी प्रॉपर्टी को मैनेज करने का भी उत्तरदायित्व या मतलब जो है अधिकार उसी धार्मिक समुदाय के पास रहेगा देखिए साथियों वैसे तो ये जनरल है लेकिन यदि हम इसे 29 से लिंक करें तो जो हमें विशेषाधिकार मिल रहा है हमारे प्रोटेक्शन का वो इसके संदर्भ में और बड़ा हो जाता है तो ये जो है महत्वपूर्ण है और इससे भी महत्वपूर्ण जो है जिसे हमें खास विशेष रूप से समझना है वो आर्टिकल पच्चीस है आर्टिकल 25 में जो लिखा हुआ है हम यहाँ 25 दो से शुरू कर रहे हैं लेकिन 25 एक में जो लिखा है वो हमें अंतकरण धर्म के आचरण और धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार प्राप्त हुआ है भारतीय संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक को वो अधिकार देती है लेकिन अब जो है माइनॉरिटीज को लेकर या आ, किस तरीके का आ, आर्टिकल पच्चीस दो के अंदर आ, जो है वर्णित है उसे समझते हैं कि आ, किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय की आ, वर्तमान या किसी भी धार्मिक समुदाय की वर्तमान विधियां या प्रवर्तमान विधियां या उनकी जो है परंपराएं हैं उनको कहीं भी प्रभावित नहीं करते हुए उनमें किसी भी तरीके का प्रभाव या दुष्प्रभाव न आए राज्य सरकार ऐसे कानून बना सकती है जो या नियंत्रित कर सकती है जो किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस से मतलब धर्म के आचरण को नियंत्रित कर सकती है रेगुलेट कर सकती है सीमित कर सकती है इकोनॉमिकल फाइनेंशियल पॉलिटिकल एंड अदर एक्टिविटीज को यह बहुत महत्वपूर्ण है इसे हम समझेंगे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है संविधान में ही एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं मैं इस आर्टिकल को दोबारा से पढ़ूंगा पच्चीस दो में कि ऐसी कोई भी धार्मिक गतिविधि जिसमें इकोनॉमिकल फाइनेंशियल पॉलिटिकल या असंप्रदायिक गतिविधियां शामिल होती है उन्हें सरकार किसी तरीके से सदाचार लोक व्यवस्था या स्वास्थ्य के मद्देनजर कुछ कानून बना सकती है उससे सरकार को नहीं रोका जा सकता है लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय की जो प्रैक्टिसेस हैं धर्म धार्मिक आचरण है या व्यवहार है उन पर किसी तरीके का बंदिश नहीं आ सकती है उसका एग्जाम्पल यहां एक दिया है कि the wearing of and of क्रपान। क्रपान का अर्थ है चाकू या छुरी हमारी भाषा में सिख समुदाय उसे कृपाण कहता है देखिए हमारे देश का एक नियम है कायदा है कि सार्वजनिक स्थल पर आप अपनी जेब में या अपने साथ किसी भी तरीके का अस्त्र या शस्त्र नहीं रख सकते अगर वो रखते हैं तो वो दंडनीय अपराध है लेकिन क्योंकि ये कृपाण रखना सिख समुदाय की धार्मिक प्रैक्टिस है इसलिए इस पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं जैन समाज के संदर्भ में यदि हम देखें तो क्या क्या हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हमारा जैन समाज का एक पंथ जिसके साधु दिगंबर अवस्था में विचरण करते हैं चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो या विहार कर रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हो वो जो है दिगंबर अवस्था में रहते हैं आ, हमारे देश का कानून है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर नग्न अवस्था में विचरण नहीं कर सकता लेकिन क्योंकि ये हमारी धार्मिक प्रैक्टिस है हमारे साधु जो हैं, हमारी संस्कृति के एम्बेसडर हैं, प्रतिनिधि हैं, उन पर जो है किसी तरीके का उंगली नहीं उठाई जा सकती और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जैसे संथारा संथारा उसे यदि सल कहें या समाधि मरण कहें जो भी भाषा या शब्द हम यूज करना चाहें ये जो है हमारा धार्मिक संस्कृति है हमारी प्रैक्टिस है और इस पर भी उंगली नहीं उठनी चाहिए लेकिन ये अनफॉर्चुनेट रहा कि इस पर जो है रा, राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ वर्षों पूर्व एक केस के अंदर इसे आत्महत्या घोषित कर दिया ये उसके कुछ कारण रहे यदि अगर हम सचेत रहते और इसे समझते कि ये तो हमारा अधिकार है और अधिकार समझकर हमने यदि इसको डिफेंड करने की कोशिश की होती तो मैं मानता हूं कि हम शायद नहीं हारते लेकिन हारे इसलिए कि एक तो हम उस केस को ठीक से कर नहीं पाए अभी हमने ये कहा कि हमारी माइन हमारी भाषा लिपि और संस्कृति के जतन करने का उत्तरदायित्व तो सरकारों के पास है तो अगर हम चाहते तो पहली बात तो यह कि ये हमारा मौलिक अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है तो सिंगल बेंच सिंगल जज बेंच जो है इसकी सुनवाई ना करे कॉन्स्टिट्यूशन uh, से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं या होती होती हैं उनमें uh, एक कुछ जजेस की बेंच ही कॉन्स्टिट्यूट है जो उसे सुनती है यदि हमने वो प्रयास किए होते तो शायद हमें सफलता मिलती कि एक जज की जो है वो इसको नहीं सुनता दूसरा हम सरकार से हमने प्रार्थना नहीं की क्योंकि ये उनका उत्तरदायित्व तो है हमारे रिलीजन को सेफ करने का हमारी संस्कृति को सेफ करने का तो हम सरकार से प्रार्थना करते कि आप हम हमको जो है कोर्ट के अंदर सेफ करिए वो भी हमने शायद प्रयास नहीं किया इसकी वजह से हम केस हार गए लेकिन कहने का अर्थ यह है कि संविधान के अंदर यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदायों की जितनी भी धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं उनकी संस्कृति है उन पर जो है कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा वो वो जो है कायदों से परे हैं इस तरह की इ, संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं ये आर्टिकल 25 दो बी इसमें ये कहा गया है कि सरकार हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक कैरेक्टर के हैं सार्वजनिक विन्यास हैं उनके रिफॉर्म्स के लिए उनके वेलफेयर के लिए किसी भी तरह की योजना और नियम या अनुदान दे सकती है इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि हिंदू सेक्शन ऑफ हिंदू भी इसमें शामिल होंगे ये नियम में ये 25 दो बीम के अंदर लिखा हुआ है कि जो हिंदू इंस्टीट्यूशन हैं, ये अगर कुछ भी अनुदान या योजना लाई जाती है तो वो जो हिंदूज के सेक्शन हैं उन पर भी एप्लीकेबल होगी यानी ये हिंदूज के सेक्शन क्या है ये एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि इन सब क्लोज बी ऑफ क्लोज रेफरेंस हिंदूसूड एज इंक्लूडिंग धर्म अनुयागे और यदि हिंदू को कोई लाभ मिल रहा है तो वो सारा का सारा एप्लीकेबल इनकी इन, 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 इन धर्मों के इंस्टीट्यूशन को भी होगा मित्रों यहां आ, कुछ जो लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है क्योंकि एक ये विवाद का विषय रहा कि हम जो है हिंदू धर्म के भाग नहीं है हमारा स्वतंत्र धर्म है यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ देखिए ये यह बी के अंदर लिखा है जहां मैं कर्सर ले जा रहा हूं सेक्शन ऑफ हिंदू जैन सिख और बुद्ध को हिंदू धर्म का जो है सेक्शन नहीं कहा है सिर्फ हिंदूज का सेक्शन कहा है और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि जब कोई भी हिंदू का रेफरेंस आएगा तो उसका मतलब सिख जैन और बुद्धिस्ट भी शामिल होंगे यदि हम व्यवस्थाओं की दृष्टि से बात करें तो जितने भी हिंदू के जो नियम है लॉज है अधिनियम है कायदे कानून है वो हम पर एप्लीकेबल है से फॉर एग्जाम्पल एच यू एस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट वो सब हम पर लागू होते हैं तो कहने का अर्थ यह है कि ये कुछ इंटरप्रिटेशन का जरूर मामला है लेकिन हमें इसे समझना चाहिए कि ये विवाद का विषय नहीं है हम, हमारे संविधान ने उन्नीस में यह स्वीकृत किया कि सिख जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन जो है वो अलग है हिंदू से लेकिन व्यवस्थाओं की दृष्टि से इन्हें जो है हिंदू का सेक्शन माना जाएगा साथियों ये आर्टिकल अट्ठाईस है ये शिक्षण संस्थाओं में एक सेकेंड हाँ सॉरी हम पहले आर्टिकल तीस पर जो है चर्चा करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जो हमें स्क्रिप्ट लैंग्वेज और कल्चर के प्रिजर्वेशन का जो अधिकार मिला है वो कहीं इस आर्टिकल तीस से भी परिपूर्ण होता है आ, हम उस आर्टिकल तीस के माध्यम से वो अधिकार प्राप्त कर सकते हैं इसमें लिखा है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये आ, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है और वैसे तो इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कायदों या नियमों के तहत व्यापार करने की परमिशन है स्कूल भी खोलने की परमिशन है लेकिन इसके तीस एक के अंदर जो लिखा है उसे हमें समझने की आवश्यकता है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज ये धर्म और भाषा की मैं जो है चर्चा कर चुका हूँ ये हम शिक्षण संस्थाओं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं शेल है निर्माण तो कर सकते हैं साथ में ही उन्हें स्वतंत्र प्रशासन अपनी चॉइस के अनुसार करने का अधिकार है एंड एडमिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस मित्रों ये बहुत बड़ा अधिकार है जिसे हमें समझना होगा और इसके माध्यम से हम हमारी भाषा लिपि और संस्कृति के का जो अधिकार मिला है उसको हम परिपूर्ण भी कर सकते हैं आइए इसके लिए यह आर्टिकल 28 देखते हैं देखिए इसमें यह लिखा है इसमें एक uh, में देखते हैं नो रिलीजन इंस्ट्रक्शनल इंस्टीट्यूशन होली में यदि राज्य सरकार या राज्य सरकार के फंड से यदि कोई शिक्षण संस्थान जो धार्मिक इंस्टीट्यूशन द्वारा चलाए जा रहे हैं तो उन्हें जो है ये uh, सॉरी Uh, कोई भी सरकारी फंड से शिक्षण संस्थान चल रहा है तो उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वो किसी तरह की धार्मिक शिक्षा उस शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों को प्रोवाइड करे लेकिन यदि धार्मिक ट्रस्टों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान है तो उन्हें ये अधिकार है कि वो अपने धर्म की शिक्षा वहां दे सकते हैं ये आर्टिकल अट्ठाईस दो के अंदर लिखा हुआ है तो मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सब आर्टिकल से हम आ, काफी कुछ प्राप्त कर सकते हैं इन्हें समझने की आवश्यकता है आइए इन आर्टिकल्स में जो सार तत्व है उन पर चर्चा करते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर एज पर आर्टिकल 25 टू 30 ये अभी हमने चर्चा की कि हमें अलग अलग अधिकार मिले हुए हैं और इन अधिकारों का उपभोग हम कर सकते हैं हमारी लैंग्वेज को हम जो है विकास करें हमारी लैंग्वेज का हमारी स्क्रिप्ट को जो है संरक्षित करें हमारे कल्चर का जो है विकास हो हम उसे जो है उसका संवर्धन कर सकें ऐसी जो है ये अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं लेकिन जहाँ तक जैन समाज का सवाल है या प्रश्न है हम में से अधिकांश को ये पता नहीं है कि हमारी जो मूल भाषा है जैन संस्कृति की या जैन समुदाय की वो क्या है जब हम फिजिकल सेमिनार में जाते थे और ये प्रश्न पूछते थे, थे तो जो है बड़ा मुश्किल से जवाब आता था कोई 200-400 व्यक्तियों में एक व्यक्ति सही जवाब दे पाता था और वो भी कुछ संशय के साथ जवाब देते थे लोगों को पता नहीं है कि हमारी भाषा क्या है कुछ हिंदी बोलते हैं कुछ देवनागरी बोलते हैं या इस तरीके के उत्तर जो हैं आते हैं मित्रों स्क्रिप्ट के बारे में तो जो है लोगों को जानकारी बिल्कुल नहीं है और कल्चर के बारे में भी जो है अधिकांश लोग हिंदू संस्कृति आर्य संस्कृति द्रवड़ संस्कृति इस तरह की बात करते हैं जैन संस्कृति लेकिन सही संस्कृति का नाम जो है उन्हें नहीं पता है मित्रों ये जो हम आ, क्या ऐसा माने कि आ, जब हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता नहीं है संस्कृति जो होती है वो किसी भी समाज की जड़ के समान होती है और यदि अगर हम संस्कृति पर कहीं स्टिक नहीं करते हैं उसे समझने का प्रयास नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी संस्कृति की जड़ें कहीं हिल रही हैं हम अंदर से खोखले हो रहे हैं ये जो स्थितियाँ जैन समाज में बन रही है ये बहुत अच्छी नहीं है इसे हमें समझने की जरूरत है इस पर कहीं काम करने की जरूरत है साथियों भाषा का जहां तक सवाल है पूरे विश्व में लगभग लगभग साढ़े हजार भाषाएं जो हैं वो प्रचलित हैं ऐसा कहा जाता है ऐसा बताया जाता है मैंने कहीं पढ़ा भी था आर्टिकल में और उसमें राष्ट्रीय स्तर की भाषा क्योंकि हर देश की राष्ट्रीय स्तर की भाषा होती है फिर जो है राज्य स्तर की भाषा होती है क्षेत्रीय भाषाएं होती है फिर अलग अलग जातियों की अपनी भाषाएं होती हैं फिर लोकल या वोकल लैंग्वेजेस होती हैं फिर बोलचाल की भाषाएं होती हैं इस तरीके से मिला के साढ़े छः हजार भाषाएं और मित्रों ये भाषाओं में ऐसा पाया गया है कि कुछ शताब्दियों में दशक कहना तो ठीक नहीं कुछ शताब्दियों के अंदर शताब्दी या शताब्दियों में कुछ भाषाएं विलुप्त हो जाती हैं मतलब जो है उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है एक भाषा का जो है अगर विलुप्त होती है उसका अस्तित्व समाप्त होता है तो इसका अर्थ यह है कि एक संस्कृति विलुप्त हो जाती है उसका विकटन हो जाता है साथियों हम हमारी लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते उसको जो है प्रैक्टिस में नहीं लाते तो फिर जो है क्या हम हमारी संस्कृति से दूर जा रहे हैं क्या उस स्थिति की तरफ जा रहे हैं कि हम विलुप्त हो जाएंगे तो भी बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि राजनीति में हमारा इंटरफेरेंस अब कहीं रहा ही नहीं हमारा प्रभाव जो है वो खत्म हो चुका है जब देश स्वतंत्र हुआ और पहली लोकसभा का गठन हुआ तो उसमें ऐसा कहते हैं कि उनतालीस एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैन समाज से थे, पूरे देश से और अब पिछली जितनी भी दो तीन चार जो है गठित हुई हैं लोकसभा उनमें आप देखें तो एक दो या तीन जो है मात्र एमपी होते तो ये स्थितियां जो हैं हमारी चाहे उसको हम दूसरे क्षेत्र में भी देख लें तो यही स्थितियां बन रही है प्रशासनिक तौर पर देखें तो जैन समाज के एक एरा ऐसा रहा कुछ दशकों का कि हम में से कोई भी जो है वो नौकरी में सरकारी नौकरी में नहीं जाता था आई ए के अंदर भी जैन समाज की जो है वो परसेंटेज जो है नेग्लिजिबल हुआ करती थी अभी कुछ प्रयास हुए हैं जीटो या अन्य संस्थाओं ने प्रयास किए हैं उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और अब बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग जो है आई कैडर या इस तरह की आ, सरकारी प्रशासनिक सेवाओं के अंदर जा रहे हैं तो ये एक अच्छा जो है विकास हुआ है और इस तरीके का विकास हमारी लैंग्वेज को लेकर भी होना चाहिए अगर नहीं है तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति पर कहीं जो है बहुत बड़ा तुषार घात होने वाला है, ये हमें चलना चाहिए। जो अधिकार मिले है उसमें ये हमारी जितनी भी धार्मिक संपत्तियां हैं मंदिर स्थानक या और कुछ ट्रस्ट उनका एक्विजिशन अब सरकार नहीं कर सकती इसके लिए जब 2014 में आ, हमें दर्जा मिला उस समय बहुत सारे पेम्पलेट्स आपके हाथ में आए होंगे जिसके अंदर ये खुशी जाहिर की गई थी कि अब हम माइनॉरिटी होने के कारण हमारी जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो सुरक्षित हो गई उन पर किसी तरह की आंच नहीं है आप सबने पढ़े होंगे वो आपके हाथ में हैंडबिल आए होंगे लेकिन मैं ये जो है अलर्ट करना चाहता हूँ वार्निंग देना चाहता हूँ कि वो जो धारणा हमने बनाई है वो पूर्णतः असत्य है वो उसका कोई लॉजिक नहीं है निश्चित रूप से वो अधिकार हमें मिल रहे हैं लेकिन सिर्फ हम माइनॉरिटी डिक्लेयर हो गए इसलिए हम सुरक्षित हो गए हैं, या मतलब हमारे जो ऐसे स्थानक और मंदिर हैं वो सुरक्षित रहेंगे ये ये जो है सत्य नहीं है इसके लिए हमें क्या करना होगा वो हमें समझने की आवश्यकता है और जब तक हम वो नहीं समझेंगे और वो प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं करेंगे तब तक जो है हमारे ऊपर कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी वो डर बना रहेगा कि हमारी जो है कभी भी हमारे मंदिरों को स्थानकों को आ, या तीर्थ स्थानों को सरकार एक्वायर कर ले सरकार एक्वायर करती है अभी आप देखें तिरुपति बालाजी शिरडी का साई मंदिर मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर और जैन समाज की बात करें तो उदयपुर जिले में ऋषभ देव या केशया जी का जैन मंदिर वो जो है सरकारी कंट्रोल में है उसका अधिग्रहण किया हुआ है तो ऐसे अधिग्रहण सरकार कभी भी कर लेती है हालांकि ये बहुत स्पष्ट है कि माइनॉरिटीज़ के जितने भी संस्थान हैं उनका कहीं अधिग्रहण नहीं होगा क्योंकि आपने अभी आर्टिकल्स देखे उनमें नहीं लिखा हुआ इस तरह की बात लेकिन इन आर्टिकल्स को जब रेफर किया गया के माध्यम से आ, आ, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में तो वहां जो व्याख्या हुई जजमेंट के माध्यम से उनसे ये जो है सारतत्व निकल के आ रहे हैं कि हमारी आ, जितनी भी इस तरीके के, के संस्थान है उनको सरकार हाथ नहीं लगाएगी उनका एक्विजिशन नहीं करेगी लेकिन इससे जो है रेस्ट एश्योर हो जाना और जो है चिंता मुक्त हो जाना कि अब तो हम सुरक्षित हो गए वो बिल्कुल गलत है हमारे देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में मैं अभी आगे भी आपसे चर्चा करने वाला हूँ हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेंट कंट्रोल एक्ट से मुक्त हो सकती है जो रेंट कंट्रोल एक्ट हर राज्य का अलग अलग होता है उसके अंदर स्पेशल कैटेगरीज के लिए कुछ हैं मैंने महाराष्ट्र के रेंट कंट्रोल एक्ट को थोड़ा पढ़ने का समझने का प्रयास किया तो उससे ये स्पष्ट है कि जितने भी धार्मिक विन्यास हैं उन उनकी प्रॉपर्टीज जो उन उनको कुछ रिलैक्सेशन या एग्जेम्पन रेंट कंट्रोल एक्ट में मिलेगा और यदि हमने जो रेंट पर हमारे ट्रस्ट की संपत्ति को रेंट पर दिया वो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में दिया है तो हम खाली करा सकते हैं ये कहते हुए कि अब हमारी वो एम्स एंड ऑब्जेक्ट पूरे हो गए हैं इसलिए हम ये खाली कराना चाहते हैं। यदि हमने इनकम के परपस से यदि रेंट आउट किया है तो शायद हम खाली नहीं करा पाएंगे एनक्रोच प्रॉपर्टीज को हम फ्री करा सकते हैं ये हमारा अधिकार है लेकिन ये अधिकार जब हमें मिलेगा जब मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूं कि ये प्रक्रियाएं पूर्ण करेंगे तो ही इस तरीके के अधिकार हमें प्राप्त होंगे और मित्रों गवर्नमेंट जो है हमें प्रोटेक्ट करेगी यदि बहुसंख्यक समाज हमें प्रताड़ित करता है तो ये सरकार का उत्तरदायित्व तो है कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करे और उस प्रताड़न से हमें बचाए मित्रों एलिजिबिलिटी टू रिसीव बेनिफिट्स बाय माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूट मैंने जैसा अभी कहा कि हमें आ, ये सुरक्षा तो मिल रही है कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका अधिग्रहण सरकार नहीं करेंगी वो सुरक्षित रहेंगे हर दृष्टिकोण से लेकिन उसके लिए उन्हें पात्र बनना पड़ेगा हमें अभी पात्रता नहीं है ये पात्रता कैसे आएगी उसके लिए क्या प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ेगी आइए उस पर चर्चा करते हैं देखिए ये गार्ड अवर मंदिर एंड स्थानक हमारे मंदिर और स्थानों को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या प्रोसेस कंप्लीट करना होगा मित्रों जैन समाज पूरे देश में बसता है गांवों के अंदर मुख्य रूप से बसता है और गांवों के अंदर यदि एक छोटा सा गांव है और वहाँ पचास घर हैं तो और उसमें जैन समाज के पाँच दस घर हैं तो भी वहाँ मंदिर या स्थानक हो सकता है और होता है क्योंकि ये हमारी जीवन शैली या हमारी संस्कृति का हिस्सा है हम उसके बिना नहीं रह सकते लेकिन वो जितने भी इस तरीके के मंदिर स्थानक हैं नॉर्मल कोर्स में हमने ये पाया है इवन कुछ शहरों के भी वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट नहीं जब तक हम रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के रूप में अपने आप को नहीं करेंगे, चाहे वो मंदिर हो या हो, हम किसी भी तरीके के के लाभ अधिकारी नहीं होंगे किसी भी अधिकार का उपभोग नहीं कर सकेंगे ये समझने की आवश्यकता है मित्रों यहां मुझे बहुत दुख के साथ कहना है कि हम इस विषय को पिछले सात साल से बरोबर उठाते हुए आ रहे हैं जैन समाज के समक्ष हमारे विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से लेकिन कहीं भी हमें ये सूचना नहीं मिली कि सब आपने एडवाइस किया था और हमने ये काम कर लिया है इस तरीके की जो है हम कहीं समाज के प्रति जो हमारी संवेदनाएं होनी चाहिए धर्म और समाज के प्रति वो कहीं मिसिंग लग रही है इसका जो है क्या अर्थ लगाएं एक जो एक व्यक्ति जो संवेदनहीन होता है उसे हम जो है पशु के समान आ, कहते हैं कि ये पशु के समान है एक संवेदनहीन व्यक्ति पशु के समान होता है लेकिन जब पूरा समाज ही संवेदनहीन हो, हो जाए चाहे वो सामाजिक स्तर पर देखें या धार्मिक स्तर पर देखें तो जो है उस समाज को हम क्या कहेंगे इसका जजमेंट जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं लेकिन ये गंभीर मुद्दा है कि हम अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है किस तरह की तलवार लटकी हुई है और उससे हमें बचने के लिए ये सब प्रोसेस करना जरूरी है जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्वकार हैं चाहे वो धार्मिक से संबंध रखते हों धर्म से संबंध रखते हों या फिर जो है ऐसी संस्थाओं को, को रिप्रेजेंट करते हो जो सोशल संस्थाएं हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके ये आप इसको बहुत गंभीरता से लीजिए इसको प्रोपोगेट करने की जरूरत है इस पर जो है कहीं बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम करने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे सभी मंदिर और स्थानक अब रजिस्टर्ड ट्रस्ट में परिवर्तित हो गए या रजिस्टर्ड सोसाइटी में परिवर्तित हो गए ये अगर नहीं होगा तो हम जब भी हमें कभी कोई लाभ लेना होगा तो हम लाभ नहीं ले सकेंगे आ, ये जरूरी है कि आ, कुछ परिवर्तन करने जो हमारे एग्जिस्टिंग क्योंकि शहरों के अंदर जो है इसके बारे में थोड़ी बहुत जागृति है और जब रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के रूप में ही बनकर जो है आगे मंदिर या स्थानक का विकास होता है ये एक ट्रेंड है लेकिन उसके अंदर हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे यदि महावीर ट्रस्ट लिखा है या और कुछ इस तरीके का नाम लिखा है जो हमारे भगवान का नाम है हमारे ट्रस्ट या सोसाइटी का तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम ये प्रूव कर दें कि ये जैन समाज का है हमें कुछ डॉक्यूमेंट में हमारे बाइलॉज के नियमों या बाइलॉज में सोसाइटी के बाइलॉज में या ट्रस्ट के ट्रस्ट डीड में या संविधान में ये लिखना पड़ेगा ये इंक्लूड करना पड़ेगा कि ये संस्थान जैन अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध है और ये अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये जैन समाज का संस्थान है भले हम रजिस्टर्ड संस्थान भी क्यों ना हो इसके अलावा अः हमारे धार्मिक संस्थानों के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है शिक्षण संस्थानों में प्रॉब्लम होती है कि उसकी मैनेजमेंट कमेटी में या ट्रस्ट बोर्ड के अंदर कुछ लोग जो हैं वो नॉन जैन भी होते हैं लेकिन धार्मिक जो हमारे विन्यास हैं ये मंदिर स्थानक जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं या सोसाइटीज हैं उनके अंदर दो तिहाई आ, जो मेम्बर्स हैं ट्रस्ट बोर्ड में या मैनेजिंग कमेटी में वो जैन होने चाहिए और उसी राज्य के होने चाहिए जिसके अंदर वो आ, संस्थान स्टेब्लिश है या लोकेटेड है आ, ये इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हमने आपको देने की कोशिश की है और मित्रों इससे भी जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटीज नॉर्मल कोर्स में ये देखा गया है सिर्फ जैन समाज की नहीं बल्कि पूरे देश में लाखों की तादाद के अंदर इस तरीके के सार्वजनिक उपन्यास या धार्मिक विन्यास हैं और उन, उनका जो है डॉक्यूमेंटेशन अपडेट होता है ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है यदि हम रजिस्टर्ड हो गए हमने अमेंडमेंट भी कर लिया और हर साल हमने जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं या सरकारी ड्यूज भरने हैं या जो अगर कोई भी मैनेजिंग कमेटी या ट्रस्ट बोर्ड के अंदर कोई ट्रस्टी का परिवर्तन हुआ है कोई भी कारण से तो चेंज रिपोर्ट समय से सबमिट नहीं की है ऐसे केस में भी जो है हम लाभ से वंचित रह जाएंगे क्योंकि जिस दिन हमें कोई लाभ लेना है किसी भी तरीके का तो ये जो हमारा एक्चुअल टस्ट बोर्ड है या मैनेजिंग कमेटी है और रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज या चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में जो हमारा रिकॉर्ड है वो सिमिलर होना चाहिए मिलना चाहिए उसमें ट्रस्ट बोर्ड के सदस्यों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए डिफरेंस नहीं होना चाहिए तो ही हम लाभ ले सकेंगे ये तीन चार बातें बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आत्मसात करने की आवश्यकता है साथियों अभी हमने ये कहा कि जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है उन्हें कुछ जोड़ना पड़ेगा कुछ संशोधन करने पड़ेंगे ट्रस्ट में ये ये प्रमाणित करने के लिए कि ये जैन अल्पसंख्यक समुदाय का जो है ये उनकी हितों की रक्षा के लिए बनाया गया या धार्मिक उपासना के लिए बनाया गया ट्रस्ट है इस तरीके की हमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी क्या अमेंडमेंट है उसकी एग्जेक्ट लैंग्वेज क्या आइए देखिए इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये, ये उद्देश्यों के अंदर हमें दो क्लोज नए जो है, जो है जोड़ने पड़ेंगे जो पुराने क्लोज हैं आपके उसमें किसी तरीके का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है इसमें जो क्लोज जुड़ेगा उसमें पहला क्लोज है कि दिस सोसाइटी और ट्रस्ट जो भी नाम है इज एस्टेब्लिशड टू टेक केयर ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ जैन माइनॉरिटी कम्युनिटी जैन माइनॉरिटी कम्युनिटी के हितों की रक्षा करने के लिए रिलीजियस इंटरेस्ट धार्मिक रक्षा करने के लिए या धार्मिक हितों की रक्षा करने के लिए इस ट्रस्ट का जो है स्थापना की गई है विशेष रूप से अभी हम दूसरी कम्युनिटीज को भी नहीं छोड़ेंगे विशेष रूप से जैन धार्मिक हितों की रक्षा करने के लिए इस ट्रस्ट या सोसाइटी का स्थापना की गई है और इन जनरल जो दूसरी कम्युनिटीज हैं उनके सामाजिक रिलीजियस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या बेनिफिट के लिए ये संस्था काम करेगी इस तरह की लैंग्वेज हमें लिखनी है जिसका सार तत्व ये होना चाहिए कि ये विशेष रूप से जैन समाज के सदस्यों की धार्मिक हितों की रक्षा करने के लिए सोसाइटी का गठन हुआ है या इसकी स्थापना हुई है ये हमें जो है ये एक क्लोज इसमें ऐड करना पड़ेगा दूसरा क्लोज ये होगा कि टू कंजर्व वर्क फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ जैन माइनॉरिटी सेक्शन जैन समुदाय के जो है अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने वाली यह संस्था है और विशेष रूप से सपोर्ट दी रिलीजियस बेनिफिट्स और जो धार्मिक बेनिफिट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये संस्था काम करेगी इस तरीके के दो लिखने से ये क्लोज एड uh, करने से या इंक्लूड कर देने से बाय वे ऑफ अमेंडमेंट जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है तो हम ये सुनिश्चित हो जाएगा कि अब हम जो है पात्र हो गए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट प्रूव करेगा कि ये संस्थान जैन जैन अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध है या उसका है मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है इससे हमें किस तरीके से आज यदि हमारे कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेता चाहे वो सामाजिक संस्थानों से हो या धार्मिक संस्थानों से हो यदि इस कार्यशाला में उपस्थित हैं तो मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस विषय को समझें और इसका जो कानूनी प्रारूप है उसको बहुत अच्छी तरीके से आत्मसात करते हुए और प्रयास करें आप अपने लेवल पर आ, कि ये आ, काम हो जाए इस, इसको हम प्रोपोगेट कर सके क्योंकि हमने तो प्रयास किए और कर भी रहे और करते रहेंगे लेकिन जिस तरीके का धरातली स्तर पर यह प्रयास करने की आवश्यकता है अभी हमने कह दिया एक ट्रस्टी को आ, उस ट्रस्टी को आधी बात समझ में आई आधी नहीं आई उसको ये नहीं पता पड़ रहा है कि मेरे गांव के अंदर में इसके लिए किसको संपर्क करूं कौन वकील कौन होगा क्या होगा तो वो हमें कहीं ना कहीं सुविधाएं जो है वो बनाकर देनी पड़ेगी यदि हम ये काम करना चाहते हैं तो साथियों आ, ये तो उद्देश्यों के अंदर दो क्लोज जोड़ने की हमने बात की और एक जो है नियमावली में जोड़ना पड़ेगा ये क्लोज जो है दिस ट्रस्ट सोसाइटी जो भी नाम है इज ऑफ जैन माइनॉरिटी कम्युनिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत ये जो है आ, ये संस्थान या ये ट्रस्ट या ये सोसाइटी का जो है ये है या उस उसके अंतर्गत आती है इस तरीके का ये तीन हमें जो है अमेंडमेंट करने पड़ेंगे ये अमेंडमेंट जो हमारे ट्रस्ट या आ, सोसाइटी के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए जो प्रक्रिया दर्शाई गई है उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए उसका अनुपालन करते हुए हमें ये अमेंडमेंट करने पड़ेंगे और अमेंडमेंट करने के बाद जो भी आ, या तो चैरिटी कमिश्नर या फिर रज, आ, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज उसको जो है ये भेजना पड़ेगा जो अमेंडमेंट किया है और अपनी कॉपी के ऊपर उसका एक्नोलेजमेंट रीसर्टिफिकेशन के रिसर्टिफिकेशन री के रूप में करवा लेना पड़ेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल ट्रस्ट डीट या बाईलॉस के साथ उसे रखना पड़ेगा और जब कभी भी हमें किसी भी विभाग के अंदर चाहे वो सरकारी हो या दूसरा विभाग हो जब भी हमें कॉपी सबमिट करनी हो इसकी तो अमेंडमेंट की कॉपी भी साथ में जाएगी ये हमें हमेशा ध्यान रखना होगा मित्रों आ, कुछ एक्विजिशन को लेकर कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिन पर मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूं मैं कुछ उदाहरण जो है तमिलनाडु से आपको देना चाहता हूं देखिए 1960 उन्नीस में तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के जितने भी हिंदू मंदिर थे जिनकी संख्या लगभग छत्तीस के आस है उनका अधिग्रहण कर लिया अधिग्रहण करने का अर्थ समझते हैं आप कि जो है वो सरकारी कंट्रोल में चले गए उसका डे टू डे मैनेजमेंट या उसका अफेयर जो है वो सरकार के द्वारा सुनिश्चित होता है अब उस समुदाय के द्वारा नहीं ये अ, इस तरीके का कोई भी आदेश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए भी कभी भी आ सकता है बशर्ते चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कुछ भी हो सरकारें घोलकर पी जाती हैं राज्य सरकारें और वो अपने हिसाब से जो है बिल पास कर देती है इस तरीके का जो प्रचलन अभी पिछले कुछ सालों में देखने में आ रहा है तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरीके का कुछ भी हमारे साथ ना हो जाए देखिए ये वहां पर इन इस तमिलनाडु में इन छत्तीस मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट को जो है आ, ये जवाबदारी दी है हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट जो ये सारी व्यवस्थाएं उन हिंदू मंदिरों की देखता है साथियों इसी तरीके के प्रयास कर्नाटक में भी अभी पिछले तीन साल पहले जब चुनाव हुए विधानसभा के तो एक पार्टी ने इस तरीके का मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखा था या प्रोपोगेट किया था कि हिंदू मंदिरों और इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज टेंपल विल बी एक्विजिशन उनका अधिग्रहण कर लिया जाएगा इस तरह की बात खड़ी हुई थी जिसका विरोध हुआ और वो क्योंकि चुनाव का माहौल था इसलिए उसे ड्रॉप कर दिया गया मित्रों एक आई ऑफिसर या एक जो जो है है मिनिस्टर उसकी जो है अगर कहीं चल पड़ी उसके दिमाग में आ गया तो वो ऑर्डर पास कर देगा फिर हम जो है दौड़ते फिरते रहेंगे फिर हम जो है उसको सेफ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यदि हमें हमारी संस्थान के लिए यदि ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट में कहीं हाई कोर्ट में जाना पड़ा तो भी वो जो हमने अभी बताई प्रक्रिया यदि आपने वो पूरी की हुई नहीं है तो आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आप जैन शिक्षण जैन धार्मिक संस्थान है इसलिए ये बहुत आवश्यक है मित्रों आज की तारीख में हमारे ऊपर जो तलवार लटकी हुई है इस तरीके का कुछ भी थ्रेट हमारे ऊपर आ सकता है हम वेट नहीं करें आग लगने पर कुआ खोदने की बात नहीं करें सीधी सी बात है कि हम अपने आप को सुरक्षित करें ये आवश्यक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे मैं बहुत गंभीरता के साथ आपके समक्ष रख रहा हूं इसे समझाने का जो मैं मेरे में क्षमता है वो मैं पूरी क्षमता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ये बहुत गंभीर मुद्दा है यदि हम चाहते हैं कि हमारे धर्म को कोई आंच ना आए हमारे एग्जिस्टेंस पर कोई खतरा ना हो हमारे मंदिरों को कोई एक्विजिशन ना कर ले राज्य सरकार या और कुछ तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को सुरक्षित कर लें आ, मित्रों आ, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की इम्यूनिन इम्यूनिटी सिस्टम को जो है इन थ्रेट्स के सामने विकसित करने की आवश्यकता है वो यदि हमने ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली तो निश्चित रूप से वो इम्यूनिटी हम प्राप्त कर लेंगे कि उसको कोई भी किसी भी तरीके का हमारी धार्मिक संस्थाओं को रोग नहीं लगेगा ये निश्चित है साथियों आ, अब हम आ, बात करेंगे अधिकारों की हमने बात की और अधिकारों के लिए देखिए सिर्फ अवेयरनेस कर देना या हमने बोल दिया आपने सुन लिया वो इतना जो है पर्याप्त नहीं है इस पर हमें कहीं एक्शन में आने की जरूरत है आज हमने विशेष रूप से प्रबुद्ध वर्ग को बुलाया है इसमें हमने वकीलों को विशेष रूप से बुलाया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुलाया है कंसल्टेंट्स को बुलाया है प्रबुद्ध वर्गों को बुलाया है जितने भी मंदिर स्थानक के ट्रस्टीज हैं उनको निमंत्रण दिया उसके पीछे कारण यही है कि आप जो मर्म है जैन समाज की जो स्थितियां हैं जो हमारे आ, क्योंकि जैन समाज जितना कमजोर है हम हम भले हम अपने आप को बहुत ही जो है ऐसा मानते हैं कि साहब हम बहुत बढ़िया हैं कोई हमको तकलीफ नहीं है लेकिन हमारा जो आधार हिल चुका है जिस जिसकी मैंने अभी चर्चा की हमारा सामाजिक आधार बहुत ज्यादा हिल चुका है और कहीं भी भी हमको तकलीफ आ सकती है ये मान के चलेंगे आ, और हम सॉफ्ट टारगेट हैं क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है हमारी जो है आबादी चौवालीस लाख है सरकार पॉलिटिकल पार्टीज हमको वोट बैंक के रूप में मानती नहीं जिस दिन हम वोट बैंक में आ गए उस दिन तो हमारी सुनी जाएगी अन्यथा जो है वो नहीं सुनी जाएगी कुछ भी हमारे साम, खिलाफ ऑर्डर पास हो सकता है ये स्थितियां बन रही है ये मान के चलना तो इस पर हम किस तरीके से हमारे क्योंकि अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं मैं ये चाहता हूँ कि इसको जो है इस पर ब्रेन स्टर्मिंग हो इसको जो है इस कार्यक्रम को या इससे इस संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं या ये 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 विषय कितना गंभीर है इसको समाज तक ले जाने की आवश्यकता है और हम तैयार हैं जब भी आप हमें इनवाइट करेंगे हम हमारे तो प्रयास करते ही हैं और इस ये कार्यक्रम करते रहेंगे अलग अलग राज्यों में भारतीय जनसंगठन या दूसरी संस्थाओं के माध्यम से होगा लेकिन आपकी संस्थाओं के माध्यम से भी प्रबुद्ध वर्ग को जोड़कर एक कहीं हमें जो है कंसेस बनाने की आवश्यकता है कि इस पर हम मिलकर काम करेंगे जितने वकील चाहिए वकीलों की सेवाएं चाहिए ये जो अमेंडमेंट करने के लिए ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए वो हमें जल्दी से जल्दी करना होगा अदरवाइज आने वाले समय में हमको तकलीफ आ सकती मित्रों अब कुछ बेनिफिट्स की बात करेंगे अभी हमने अधिकारों की बात की और ये बेनिफिट्स की बात करूं उसके पहले अधिकारों से संबंधित एक बात और करना चाहता हूं कि अधिकार कभी भी पूर्ण नहीं होते जब तक कर्तव्य साथ में न हो कर्तव्य साथ में होंगे हम अपने कर्तव्यों को समझेंगे तभी अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि जैन समाज में अभी हम कर्तव्यों के प्रति चिंतित इस पर जो है कहीं आ, गंभीर चिंतन की आवश्यकता है आइए साथियों रिलीजियस बेनिफिट्स की बात करें आ, ये केंद्र सरकार भी कुछ योजनाएं बनाई हैं और उसका लाभ अधिकारों के संदर्भ में हमको मिल रहा है या मि, मिलता है मैं ऐसा कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा और राज्य सरकारों से भी बहुत कुछ याद भले योजना न हो लेकिन ये हमारा अधिकार है विशेषाधिकार है कि हम सरकार से हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्योंकि देखिए एक लकड़ी से सबको नहीं आका जा सकता मुस्लिम समाज और जैन समाज को या क्रिश्चियन समाज को एक लकड़ी से नहीं आँखा जा सकता क्योंकि धार्मिक विशेषताएं धार्मिक संस्कृति के रक्षण की जो आ, आवश्यकता है वो सबकी अलग अलग है आ, मुस्लिम समाज की जो है लैंग्वेज उर्दू है हमारी लैंग्वेज जो है प्राकृत है संस्कृत है तो कहने का अर्थ यह है कि हम मांग सकते हैं सरकार से डिमांड कर सकते हैं ये हमें समझने की आवश्यकता है लेकिन पहले हम ये देखें कि सरकारें क्या दे रही हैं पहले वो समझना बहुत आवश्यक है तो पहले केंद्र सरकार की योजना की बात करेंगे देखिए ये एक योजना हमारी धरोहर ये दो हजार में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस की थी फिर 2017 के अंदर इसे दोबारा से लाए तीन तीन साल के लिए ये योजना थी अभी 2020 में इसकी अवधि पूरी हो गई है लेकिन कुछ समय में ये योजना आ जाएगी ऐसा हम आशावाद रख सकते हैं और इस योजना को पढ़ना आवश्यक है इसके लिए इसका जो सोर्स है वो इसकी वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की uh, www.minorityaffairs.gov.in इस पर जाकर इस योजना को समझने जैसा है पढ़ने जैसा है और uh, ये ओवरऑल uh, uh, भारतीय संस्कृति के अवधारणाओं के तहत मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध धरोहरों को संरक्षित करने की यह योजना है साथियों इस योजना के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज परमिट की गई है आइए उस पर एक दृष्टिपात करते हैं क्यूरेटिंग एग्जिबिशंस इंक्लूडिंग आइकोनिक एग्जिबिशंस हम हमारे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एग्जिबिशंस लगा सकते हैं और एग्जीबिशंस लगाने की योजना बनाकर सरकार को प्रस्तुत की जा सकती है इस हमारी धरोहर योजना के तहत और वहां से फंड या जो भी चाहिए हमें सहायता वो मिल सकती है परफॉर्मिंग आर्ट फॉर शोकेसिंग एकांकी नाटक कवि सम्मेलन जो हमारे आ, हेरिटेज को प्रिजर्व करते हो हमारी संस्कृति को उजागर करते हों उसका विकास करते हो हमारे जो सिद्धांत हैं उनको जन जन तक ले जाने के लिए इस तरीके की भी जो है वो कार्यक्रम किए जा सकते हैं और इन कार्यक्रमों से संबद्ध योजनाओं को सरकार के पास भेजा जा सकता है अप्रूवल के लिए बजटिंग के लिए या फंडिंग के लिए सपोर्ट एंड प्रमोशन ऑफ कैलीग्राफी ये बहुत महत्वपूर्ण है सुलेखन हमारे आ, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं या तो नए ग्रंथों का निर्माण या रचना हो अलग अलग लैंग्वेजेस में उसके लिए जो है सरकार से हम इस योजना के तहत स्कीम बना कर दे सकते हैं प्रोजेक्ट बनाकर दे सकते हैं और उस पर कार्यरत हो सकते हैं या फिर नए शास्त्रों के निर्माण के अलावा या उनके रचना के अलावा जितने पुराने ग्रंथ हैं उनका ट्रांसलेशन अलग अलग भाषाओं में मित्रों अभी अंग्रेजी में जो है ट्रांसलेशन बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि Uh, हमारे बच्चे जो हैं वो सब आप जानते हैं कि इंग्लिश uh, मीडियम में पढ़ते हैं और एक तरफ हम ये जो है ब्लेम करते हैं हमारी युवा पीढ़ी को कि उन्हें हमारे धर्म से कुछ लेना देना नहीं दे। वो समझते नहीं मंदिर भी नहीं जाते हैं। उसका कारण ये है कि वो uh, uh, किसी भी रिचुअल में विश्वास नहीं करते एक बात तो ये है हमारी पीढ़ी में और जो अभी की पीढ़ी है उसके बीच में ये फर्क है हम रिचुअल्स में विश्वास करने वाले लोग थे हमारे पिताजी ने कह दिया ये करना है तो करना है लेकिन अब जो है वो उनको लॉजिक लगता है कि मंदिर जाना है तो क्यों जाना है पहले ये क्लेरिफाई करो उसके बाद हम मंदिर जाएंगे तो जो है अभी हम उनसे ये अपेक्षा तो कर रहे हैं कि वो जो है शास्त्र पढ़े ग्रंथ पढ़े लेकिन वो जिन भाषाओं में है वो तो उनको समझ में आती नहीं इसलिए आवश्यक है कि ये Uh, हमारी घरों के अंदर हमारे ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ ग्रंथों के uh, की रचना होती है या ट्रांसलेशन का काम होता है क्योंकि प्राकृत और संस्कृत से दूसरी भाषाओं में uh, ट्रांसलेशन का काम बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी करते हैं यदि वो कर रहे हैं या नई जो जैन एकेडेमीज हैं जो रिसर्च या शोध अनुसंधान का काम करती हैं उन्हें इस तरह की कोई भी योजना बनाकर सरकार के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए तो उसका उससे जो है फंडिंग हो जाएगा और हम उस योजना को सही रूप से चला पाएंगे जो हमारे धर्म और संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है ओरल ट्रेडिशन और आर्ट फॉर्म्स को जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना ये बहुत महत्वपूर्ण है ये एक ऐसा माध्यम है कि हमारी युवा पीढ़ी को हम आकर्षित कर सकते हैं धर्म की तरफ म्यूजियम नए म्यूजियम बनाने के लिए या रख रखाव करने के लिए देखिए मित्रों मैं यहाँ एक चीज क्लेरिफाई आपको करना चाहता हूँ कि अभी हम, हम जो है माइनॉरिटी के संदर्भ में बात कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ही ये मतलब जो है बजटिंग का काम करती है या सॉरी फंडिंग का काम करती है संस्कृति के विकास के लिए पिछले कई दशकों से जो हमारा सांस्कृतिक मंत्रालय है केंद्र सरकार का वो बहुत बड़ा फंडिंग आ, हमारे तीर्थ स्थलों के विकास के लिए देता हुआ है। हमें अधिकांश को यह बात पता नहीं है तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत विभिन्न विभागों से या मंत्रालयों से हमें कहीं भी असिस्टेंस असिस्टेंस फाइनल असिस्टेंस जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस वो प्राप्त होती है ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है म्यूजियम भी जो है हम इस योजना के तहत भी आ, और या फिर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को भी ऐसी अगर हम कोई क्योंकि हमारे जैन समाज की जो धरोहर है मोन्यूमेंट्स हैं या दूसरी धरोहर है वो बिखरी पड़ी है पूरे देश के अंदर तमिलनाडु के अंदर जाके देखिए इतनी एंशंट साइट्स हैं जिनकी बुरी हालत है हम उसको कैसे प्रिजर्व करें इसके लिए हमें कहीं चिंतनशील होने की आवश्यकता है और यदि हम सरकार से मांग करते हैं तो डेफिनेटली सरकार की जवाबदारी बनती है आ, आर्टिकल 29 के तहत जो लिखा हुआ है उसके तहत सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी और खास करके जैन समुदाय की तो सुननी पड़ेगी उसका क्या कारण है वो मैं आगे अगली स्लाइड में बताऊंगा कहने का अर्थ यह है कि हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे हम इनिशिएट करें आज हर राज्य के अंदर हर पंथ का कम से कम एक एकेडमी जो है वो स्कॉलर्स की जो जहां पर अनुसंधान शोध का काम होता है ग्रंथों के रचना का काम होता है तो इन ये जो है उसको हम कहीं एनलार्ज कर सकते हैं वो हमारी एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं फंडिंग जो है सरकार से प्राप्त कर सकते हैं और सरकार देती है तो लेना चाहिए अल्टीमेटली पैसा तो हमारा ही है वो तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए डेफिनेटली लेना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग हेरिटेज रिलेटेड सेमिनार वर्कशॉप ये ये अः uh, पूरे देश में क्या मैं तो कहता हूँ विश्व के अंदर होने चाहिए महावीर की सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को प्रतिपादित जो उन्होंने किए उसका जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए आज देश में आज पूरे विश्व में इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता इट्स अ नीड ऑफ द आवर इस पर जो है कहीं जैन समाज को इनिशिएट करना चाहिए कि पूरे विश्व में शांति अहिंसा और सत्य की बात हम लेकर जाएं और लोगों को कन्विंस करें इसके लिए हमारे जो स्कॉलर्स हैं और इस योजना के तहत भी यह काम बहुत आसानी से हो सकता है रि रिसर्च का काम है जो हमारे हेरिटेज uh, को प्रिजर्व करने से संबंधित है uh, उसमें हम सरकार से या हमारी धरोहर योजना में फेलोशिप मांग सकते हैं uh, और भी किसी तरीके का सपोर्ट जो हमारे शैक्षणिक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए है हम इस योजना में सरकार से डिमांड कर सकते हैं प्रोजेक्ट बनाकर देना पड़ेगा उसको इनिशिएट करना पड़ेगा हमारे यहाँ एक ही तकलीफ है हम सुनते हैं मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ जब हमारे सीनियर साधु जब वो प्रवचन करते हैं तो हम जो है बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं मिसमेराइज हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो कुछ वैराग्य है लेकिन दूसरे दिन हम सब भूल जाते हैं यह, स्थिति भी इसी तरह की है पूरा ये हमारा जो है कल्चर सा बन पड़ा है कि हम जो सुनते हैं वो कुछ करते नहीं इससे जो है काम नहीं चलने वाला है मित्रों एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें अच्छा समाज बनाकर हमारे जो है आने वाली पीढ़ी को देने की आवश्यकता होती है तभी वो हमें जो है अप्रिशिएट करेंगे और मित्रों हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें जो है वो प्रशंसा करें हमारी हो सकता है कि गाली भी दे तो हम इससे बचे ये बहुत आवश्यक है मित्रों ये रिसर्च एंड स्टडीज के लिए भी आ, मांगा जा सकता है ऐसी ये एक्टिविटीज की कुछ लिस्ट है जो हमारी धरोहर के अंदर दर्शाई गई है इसमें हम किसी भी तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट बनाकर इसमें सब कवर हो जाते हैं धर्म से रिलेटेड संस्कृति से रिलेटेड होना चाहिए तो निश्चित रूप से हम उसका लाभ ले सकेंगे मित्रों इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन है क्योंकि देखिए रजिस्टर्ड ट्रस्ट की हमने अभी बात की थी कि जब तक रजिस्टर्ड नहीं है कुछ भी नहीं हो सकता अगर एक एकेडमी एक काम कर रही है अपनी तरीके से यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जो है इसमें योजना में अप्लाई नहीं कर सकती है स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखिए सर्वे ऑफ इंडिया या स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये जो है हमारी बहुत एंशियंट साइट्स को जो है उन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है आ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके प्रोटेक्शन में इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे हम जो है ये प्रयास कर सकते हैं कि स्टेट आर्कियोलॉजिकल या सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो हमारे इन धरोहरों के विकास के लिए काम करे हम उनको जो है इस तरीके का इनिशिएट हम उन तक ले जाए तो जो है ये संभव है कि वो अप्लाई करेंगे हमारे बिहा पर कि ये हमें हमारी धरोहर में इस प्रोजेक्ट के लिए इतना फंडिंग चाहिए और हम इससे ये विकास करेंगे इस साइट का या इस मोन्यूमेंट का या हमारी धरोहरों का इस तरीके से वो जो है संवर्धन या उसके जो है रख रखाव या और कुछ प्रोटेक्शन के लिए आर्क्योलॉजिकल डिपार्टमेंट इस योजना में सरकार से प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता है रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं जिनको कम से कम तीन साल का अनुभव है ऐसी जो है संस्थाएं वो जिनको क्यूरेटिंग का या मतलब जो है संस्कृति के संवर्धन का या साहित्य आदि के संवर्धन का या प्रिजर्वेशन का अनुभव है वो इसमें कुछ भी प्रोजेक्ट बनाकर कर सकते हैं कल्चरल इंस्टीट्यूश सांस्कृतिक जितने भी संस्थान हैं हमारे समाज के या अन्य वो यदि सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल या एजुकेशनल कोर्स के लिए भी कोई प्रोजेक्ट बनाकर देते हैं तो वो निश्चित रूप से आ, सरकार को मान्य रखना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैविंग एक्सपीरियंस एंड फैसिलिटीज फॉर क्यूरेटिंग वर्क हेरिटेज देखिए अभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जेनोलॉजी डिपार्टमेंट चलता है उनमें आ, वो जो है और अधिक फंड की मांग कर सकती है जरूरी नहीं कि जैन समाज का ही कोई संस्थान करे जो इस तरह यूनिवर्सिटीज या और कोई संस्थान है या एकेडमीज हैं जो यूनिवर्सिटीज से एफिलेटेड हैं वो भी फंडिंग के लिए या बजट के लिए बात कर सकती हैं या प्रोजेक्ट बनाकर दे सकती हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट Experience and facility of curating कुछ सरकारी संस्थान भी इस तरीके के काम करते हैं सपोर्ट करते हैं उनके माध्यम से भी ये प्रोजेक्ट्स रखे जा सकते हैं कहने का अर्थ है कि हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं और उसका प्रोजेक्ट बनाकर हमें सरकार को देना होगा रिसर्च स्टडीज में भी हमारी धरोहर में फेलोशिप देने का जो है प्रावधान है यदि एकडेमी के थ्रू कुछ रिसर्च स्कॉलर रिसर्च का काम कर रहे हैं एम कर रहे हैं पी कर रहे हैं जेनोलॉजी में या जैन धर्म से रिलेटेड या जैन संस्कृति से रिलेटेड किसी विषय के ऊपर तो वो उनको फेलोशिप इस योजना में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से मिल सकती है लेकिन ये जो योजना है मैंने इसका जहां तक अध्ययन किया इसमें कुछ फ्लोज हैं और उन फ्लोज को दूर करवाना आवश्यक है मैंने एक बार मैटर भी टेकअप किया था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से भी मैंने जो है पत्राचार किया और मिनिस्ट्री को भी लिखा लेकिन हमने ये पाया कि इसका प्रोपोगेशन करने के बाद भी इतनी हमारी एकडेमीज या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो रिसर्च का है या धार्मिक संस्क, संस्कृति पर काम कर रही है जैन समाज के लिए उन्होंने इसमें किसी तरीके का प्रोजेक्ट आज तक सबमिट नहीं किया है ये इसलिए हम भी थोड़े से पीछे हट गए क्योंकि हम अगर कुछ क्लेम ही नहीं करेंगे तो हम उस सरकार से क्या कहेंगे कि इसको सही कर दो देखिए यहाँ पर एक जो लिखा है जैन समाज का व्यक्ति होना चाहिए सॉरी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति होना चाहिए फेलोशिप लेने के लिए उसने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन पचास प्रतिशत मार्क्स से प्राप्त हो, किया हो उसने स्वयं को यूनिवर्सिटी में रजिस्टर किया हो एम फिल के लिए ये सब एलिजिबिलिटीज हैं लेकिन नॉट बी मोर देन थर्टी फाइव ईयरस ऑफ है ये तो कैरियर से रिलेटेड है हमें जब हमारा उद्देश्य जो है महावीर के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है तो उसमें ये पैंतीस साल की जो लिमिट है ये सही नहीं है हम जो हमारे हा, यहाँ तो हमने देखा है कि जो रिटायर्ड लोग हैं वो रिसर्च का काम ज्यादा कर रहे हैं स्कॉलर्स तो उनको यदि वो एम फिल करते हैं तो उनको फेलोशिप मिलनी चाहिए इसके लिए सरकार को लिखा जा सकता है लेकिन कोई एप्लीकेशन तो दे हम हमें बताए कि हमने एप्लीकेशन दी है मेरे मेरे बहुत प्रयासों के बाद भी इसके लिए कोई किसी अपवाद को छोड़ के आज तक जो है किसी ने इस योजना के तहत जैन समाज ने लाभ नहीं लिया है साथियों एक जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारी डॉक्यूमेंट्स में यह लिखा है कि जैन और पारसी कम्युनिटीज जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ मतलब माइनॉरिटी तो है उसमें भी सूक्ष्म है इसका अर्थ यह हुआ कि हमें ये अधिकार है कि हम किसी भी तरह की योजना चाहे सरकार कॉमन सभी छह ग्रुप के लिए बनाती हो नहीं बनाती हो वो ठीक है उसके अलावा भी हम सरकार को ये जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए अलग से ये योजना चाहिए क्योंकि स्पेसिफिक योजना हमारी संस्कृति के विकास के लिए हमारे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसके विकास के लिए आवश्यक है इस तरीके का भी प्रावधान है और मैं बहुत लोग ये उठाते हैं कि हमारी इतनी जनसंख्या है बहुत कम है तो फिर हम माइक्रो माइनॉरिटी में क्यों नहीं है लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अंदर सरकार ने लिखा है मिनिस्ट्री ने ये लिखा है कि जैन और पारसी कम्युनिटी माइक्रो कम्युनिटी माइनॉरिटी के अंदर आते हैं साथियों ये एड्रेस है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाना बनाकर सबमिट करें तो ये एड्रेस है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जैसा मैंने पहले कहा था इस योजना को एक बार पढ़ें www.minorityaffairs.gov.in पर जाकर इस हमारी धरोहर योजना का आप पूरा अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन करने के बाद इसमें जो है आप प्रोजेक्ट बनाकर इस एड्रेस uh, के ऊपर सबमिट कर सकते हैं और यदि इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट बनाकर आप सबमिट कर रहे हैं और उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि छुपाने लायक हो तो यदि आप हमें कॉपी देंगे तो हम निश्चित तौर पर मिनिस्ट्री से इसका लिए फॉलोअप करेंगे और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि आपकी जो प्रोजेक्ट आपने सबमिट किया है वो सेंक्शन हो गया उस पर आपको फंडिंग मिलने वाला इस तरीके के भी हम प्रयास करने का प्रयास करेंगे मित्रों अब राज्य सरकारों से हम क्या ले सकते हैं या राज्य सरकारें क्या दे रही हैं ये ये अभी हमने हम, हमारी धरोहर की बात की उससे भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है ये राज, राज्यों से कुछ लेने का या राज्य सरकारों की स्कीम के बारे में समझने का देखिए यहाँ एक यज्ञ प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या आज तक हमने राज्य सरकारों के द्वारा दी जाने वाली लाभ या सुविधाओं को हमने उसका उपभोग किया है क्या या फिर हमने ये कोशिश की है क्या कि हम क्लेम करें कि भाई हमको ये लाभ चाहिए मैं फेस फेस तो आपके सामने नहीं हूं लेकिन मुझे पता है कि इसका उत्तर एकाध अपवाद को छोड़कर नेगेटिव ही आने वाला है क्योंकि हमने जब अधिकार को ही नहीं समझा योजनाओं को आज तक नहीं है तो हम ये लाभ कहां से लेंगे देखिए जो समझते हैं वो लाभ ले लेते हैं कर्नाटक के अंदर अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी वायरल भी हुई वो काफी जिसमें ये था कि लागत से का स्थापना कर रही है एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकिन हम मांगेंगे तो मिलेगी अदरवाइज नहीं मिलेगी इसमें हमने आज तक लिया नहीं लेकिन अब हम ये एक दो उदाहरणों से कुछ राज्यों के उदाहरण लेके समझेंगे कि क्या क्या राज्य सरकारें देती हैं धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को आइए देखिए पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु की इसमें मैंने लिखा है टाइटल में कि अवेल्ड ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज अदर देन जैन कम्युनिटीज इन तमिलनाडु जैन कम्युनिटी के सिवाय अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को तमिलनाडु सरकार क्या दे रही है अभी प्रश्न ये हो सकता है कि साहब इसमें जैन जैन समुदाय को कुछ क्यों नहीं देती है क्योंकि तो जैन समुदाय कुछ मांगता नहीं इसलिए नहीं मिलता है थोड़ा सा प्रदर्शन भी करना पड़ेगा अगर जरूरत पड़े तो जो है हमें सड़क पे भी उतरना पड़ेगा अधिकार लेना है तो इस देश की तो प्रणाली है आपको करना पड़ेगा लेकिन हम नहीं करते हैं इसलिए और समझते भी नहीं है देखिए दूसरी कम्युनिटीज को क्या मिल रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस चर्च की मरम्मत के लिए दस लाख रुपया देने का प्रावधान है इसी तरीके से मस्जिद या मॉस्क के रिपेयरिंग के लिए भी दस लाख रुपए तक देने का प्रावधान सब्सिडीज मिलती है हज यात्रियों को केंद्र सरकार तो सब्सिडी देती है राज्य सरकारें भी देती है और तमिलनाडु के अंदर जेरूसलम क्रिश्चियन समाज को ईसाई समाज को जेरूसलम की यात्रा के लिए बीस हजार रुपए की सब्सिडी ये आ, शायद हम में से किसी को ये बात पता ना हो या बहुत कम लोगों को पता हो ये इस तरह की भी क्योंकि ये जब मांगोगे तभी मिलेगी अदरवाइज नहीं मिलेगी लोन्स देती है वक्फ प्रॉपर्टी के मुस्लिम समाज के लिए जो है आ, बहुत ज्यादा हम एक ब्लेम करते हैं कि माइनॉरिटी में क्या है वो तो सरकार सब मुस्लिम समाज को देती है मुस्लिम समाज को इसलिए देती है कि उनको मांगना आता है उनको क्लेम करना आता है जबकि वो कहीं भी हमारे समकक्ष नहीं है न तो उनका जो है शैक्षणिक स्तर वो है न वो सांस्कृतिक स्तर वो है लेकिन वो सब समझते हैं कि किस तरीके से जो है हमारे समाज का विकास किया जाए उसके लिए जो है वो आ, अपना सब कुछ दाव पे लगाने को तैयार रहते हैं ये जरूरी है और हम जो है मुंह चुराते हैं तो ये डेवलपमेंट के लिए वक्त प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के लिए लोन देने का प्रावधान है दूसरी सहायता आर्थिक और अन्य सहायताएं उलेमा और दूसरे बोर्डों को मैनेजरियल असिस्टेंस या मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाएं वो प्रदान की जाती है कहने का मतलब ये है कि अगर वहां पर कुछ कर्मचारी है तो उनकी तनख्वाह जो है शायद सरकार देती हो राज्य सरकार देती हो इस तरीके के प्रावधान है फंड्स आर प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हज हाउस तमिलनाडु में सरकार जमीन भी देती है और भवन बनाने के लिए हज हाउस बनाने के लिए फंडिंग भी करती है इस तरीके की योजनाएं वहां पर इन दो समुदायों के लिए तमिलनाडु में है अब हम कर्नाटक की बात करें आ, कर्नाटक में मैंने यहाँ ये यह नहीं लिखा है कि अदर देन जेंस बीइंग अवेल्ड ऑफ बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन कर्नाटका क्योंकि कर्नाटका में थोड़ा बहुत जैन समाज को भी मिलता है बजट एलोकेशन पहले समझे देखिए एक महत्वपूर्ण मैं तथ्य आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि सिर्फ कर्नाटक राज्य पूरे देश में कैसा राज्य है जो माइनॉरिटीज के लिए बहुत बड़ा बजट हर साल डिक्लेयर करता है देखिए 2015-16 में एक हजार करोड़ रुपए का बजट सिर्फ माइनॉरिटी माइनॉरिटीज के लिए इसमें पिछड़ी जाति एस सी एस नहीं है उनका अलग है आयोग भी अलग है और सब उनका वही वहीवट भी अलग है सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए यहां पर एक हजार करोड़ का 2015-16 में बजट था वेरस दो हजार अट्ठारह में ये बढ़कर दो हजार दो सौ इकतीस करोड़ का हो गया और उन्नीस बीस और बीस इक्कीस के आंकड़े वेबसाइट पर नहीं है इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं लेकिन निश्चित तौर पर मैं मान के चलता हूं कि ढाई करोड़ दो हजार करोड़ से कम का बजट माइनॉरिटीज का अब जो है वो कर्नाटक में नहीं होगा क्योंकि 15-16 के बाद 17-18 के के अंदर शायद ये 1430 करोड़ रुपए आसपास का बजट था अब किन किन कम्युनिटीज को क्या क्या दे रहे हैं ये ये समझते हैं जैन टेम्पल्स और बौद्ध विहार के जीर्णोद्वार के लिए दस लाख रुपए तक देने का प्रावधान है सर्टन सब्जेक्ट टू सर्टन रूल्स रेगुलेशंस हैं वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ऐसा नहीं है कि हमने पांच साल पहले जो है कोई भवन बनाया या मंदिर बनाया और पांच साल में ही हमने जीर्णोद्धार की जो है वो राशि क्लेम करने की कोशिश की वैसा नहीं होता है सर्टन नियम है वो हमें राज्यवार समझने पड़ेंगे और उसके अनुसार यदि हम एलिजिबिलिटी में आते हैं तो वो पैसा मिलता है सरकार के द्वारा और जो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि फॉर बिल्डिंग कम्युनिटी सेंटर्स या हॉल्स मतलब अलग अलग समुदायों के माइनॉरिटी समुदायों के उनके अपने कम्युनिटी हॉल्स बनाने के लिए बहुत बड़ा अनुदान देने का प्रावधान कर्नाटक में है यदि जिला मुख्यालय पर सामुदायिक भवन या हॉल बनाया जा रहा है तो उसमें एक करोड़ रुपए का अनुदान लोन नहीं अनुदान है सीधा अनुदान दे दिया जाता है और यदि अदर देन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जिला मुख्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य प्लेस पर है गांव में शहर में तहसील या तालुका प्लेस पर तो उसमें पचास लाख रुपए तक फंडिंग देन या अनुदान देने का प्रावधान है मित्रों मुझे सहर्ष बताना है कि 19-20 के अंदर वर्ष 19-20 में जैन समुदाय की 14 एप्लीकेशन इस योजना के तहत पास हुई और जैसा मैंने अभी बताया कि प्राकृत विश्वविद्यालय बना जा रहा है 21 करोड़ की लागत से कहने का अर्थ ये है कि हम इन सबको हैं और ये जितना बजट है इसमें अभी तो मैं बात सिर्फ जो है धार्मिक लाभों की कर रहा हूं क्योंकि आज हमारा चर्चा का विषय वही है लेकिन अन्य सामाजिक और शैक्षणिक लाभ हम इस बजट से कैसे ले सकते हैं या हम अन्य राज्यों को किस तरीके से प्रेशराइज कर सकते हैं कि हमारे लिए अलग से बजट होना चाहिए वो समझने की आवश्यकता है आइए देखते हैं कर्नाटक में और क्या मिलता है मुस्लिम्स को स्कीम्स फॉर वक बोर्ड इसमें ग्रांट्स मिलती है मेंटेनेंस ऑफ वक वक प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए असिस्टेंस टू वकफ इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्शन टू वक्फ प्रॉपर्टीज और डेवलपमेंट ग्रांट्स इस तरीके का ये जो है मुस्लिम्स के लिए ये 2300 करोड़ में ईयर मार्क बजट है इनके लिए बिल्डिंग हज हाउसेस अभी बहुत अच्छी क्वालिटी के हज हजाव, हाउसेस सरकार बनाकर देती तमिलनाडु में तो जमीन दे दी और कुछ फंडिंग कर दिया बनाओ लेकिन यहाँ तो सरकार ही बनाकर दे रही और बिल्कुल फाइव स्टार कैटेगरी के जो है हज हाउसेज का निर्माण हो रहा है बेंगलोर में है मैंगलोर और गुलबर्गा में तो मुझे दो साल पहले ध्यान था कि ये बने हैं लेटेस्ट में यदि और किसी शहर के अंदर बना हो तो वो मेरी जानकारी में नहीं है ये कहने का अर्थ यह है कि इस तरह की बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा जो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दी गई है साइजेबल बजट एलोकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा मदरसा का जो है ये भाषा के विकास के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से इसमें अनुदान लिया जा सकता लिया जाता है और मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों को जो उर्दू है वो पढ़ाई जाती है लेकिन अब उर्दू के साथ अन्य भाषाएं और इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है उसके लिए जो है उसका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है और वो सब जो है, उसके लिए बजट एलोकेशन है कर्नाटक सरकार उसके लिए बजट जो है वो दे रही है पेंशन टू इस्लाम इमाम्स एंड मुजिम्स ऑफ मॉस्क रजिस्टर्ड अंडर वक्फ वक्फ एक्ट जितने भी रजिस्टर्ड uh, संस्थान है वक्फ एक्ट में उनको जो है उनके uh, जो कहें मस्जिद के इमाम आदि को उनको तनख्वाह भी देने का इसमें प्रावधान है क्रिश्चियंस के लिए भी यूज बजट है ईयर मार्ग बजट है चर्च की रिपेयरिंग के लिए दस लाख रुपए यहाँ भी दिया जाता है और कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए भी इनका अलग से मतलब उस बजट में भी ईयर मार्ग है कि इतना तो क्रिश्चियन समाज को दे देंगे ही और ओल्ड एज होम्स और ऑर्फन्स के रख रखाव मेंटेनेंस या विकास के लिए भी इस कम्युनिटी को बजट दिया जाता है या फंड एलोकेशन किया जाता है कंक्लूजन क्या है ये हमने दो राज्यों की देखी समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से राज्य देते हैं अब सिर्फ हमें ये समझना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है हम क्या इससे कंक्लूड क्या कर रहे हैं हमने आपके सामने दो राज्यों का उदाहरण दिया कि जैन कम्युनिटी जो माइक्रो कम्युनिटी है इस तरीके के प्रिविलेज क्लेम कर सकती है परिचय कराना चाहता हूं आज से चार वर्ष पूर्व कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में जैन समाज का एक सर्वे किया कर्नाटक सरकार माइनॉरिटी प्रोविजन के तहत और आ, उसकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी जो बहुत फेयरली और बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है और उस वो सर्वे करने के बाद सरकार ने विभिन्न इंस्टीट्यूशंस को जो कर्नाटक में जैन समाज के हैं उन्हें बुलाया उनके साथ ब्रेन स्टोरिंग किया और उन्हें इस बात के लिए इंस्पायर किया कि आप जो है इस बजट में अपना हिस्सा मांगिए आप अपनी योजनाएं प्रस्तुत कीजिए आप किस तरह से योजना लाना चाहते हैं आपकी कम्युनिटी के विकास के लिए और उस डॉक्यूमेंट में एक जगह ये लिखा था कि इट्स मैटर ऑफ रिग्रेट दैट नन ऑफ जैन इंस्टीट्यूशन इज कमिंग फॉरवर्ड टू ग्रैब दी अपॉर्चुनिटीज ये अगर आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट की कॉपी तो मैं आपको मेरा ईमेल आईडी दूंगा उस पर मैं आपको भेज भी सकता हूं मतलब देखिए कि हमारी हम किस गफलत में हैं हम क्या समझते हैं अपने आप को ये बहुत गंभीर मुद्दा है इस पर कहीं विचार करने की आवश्यकता मैं बार बार ये शब्द इसलिए दोहरा रहा हूं कि हमारी जो अभी का जो स्टाइल है या हम जिस स्टाइल पर पहुंच गए हैं वो कहीं भी हमारे हित में नहीं है जेन शुड अप्रोच एज वन एंटिटी टू क्लेम दी बेनिफिट्स ये बहुत जरूरी है अभी संतारा की बात करें तो हमारे चार पंथों में से दो उसे मानते हैं दो नहीं मानते लेकिन चारों इस इस विषय पर चारों एक साथ बैठकर तो जो है कुछ निर्णय ले सकते हैं हमारी सबकी जो है अपनी संस्कृति है हम अपने आप को ही अच्छा मानते हैं आई ना सुन में अगर मैं दिगंबर हूं तो श्वेतांबर समाज को अच्छा नहीं मानता मैं श्वेतांबर हूं तो दिगंबर समाज को अच्छा नहीं मानता मतलब स्थितिया ये है कि यदि मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूं और रेल के डब्बे में बैठा हुआ हूं और मेरे सहयात्री जो मेरे पास बैठे हैं और मतलब ट्रेन स्टार्ट हुई और मैं बातचीत का दौर उनसे शुरू किया तो पता पड़ता है कि आप जैन हैं अरे मैं भी जैन हूं तो याद तो दूसरा प्रश्न क्या होता है कौन से जैन है मतलब जैन होना पर्याप्त नहीं है आपको जब तक ये नहीं पूछोगे कि आप श्वेतांबर हो दिगंबर हो तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा ये हमारी मानसिकता हो गई और यदि उसने ये कह दिया कि मैं श्वेतांबर जैन हूं और मैं दिगंबर हूं तो मेरा मुंह ऐसा हो जाएगा जैसे किसी ने मेरे मुंह में करेला रख दिया ये ये स्थितियां जो है जैन समाज के लिए कहीं भी योग्य नहीं है और ऐसा समाज जो बहुत उच्च शिक्षित है सुसंस्कृत है जिसकी धार्मिक जड़ें बहुत मजबूत रही है जो पूरे विश्व को कहीं गाइड कर सकता है उसकी आज ये स्थिति है मित्रों कहीं समझिए वी नीड टू एजुकेट अवर सेल्फ अबाउट माइनॉरिटी राइट्स एंड बेनिफिट ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि क्या राइट्स मिल रहे हैं और उनको लें ये अगर लेंगे तो ही जो है बात बनेगी आ, ये गवर्नमेंट की तो पॉलिसी है साथियों अब हम मांग क्या सकते हैं राज्य सरकारों से अभी इतनी बात की तो ये भी कंक्लूड करते हैं कि भाई किस तरीके के हम अधिकार या मतलब योजनाएं या मतलब जो है बजट मांग सकते हैं तो सबसे पहला तो ये है कि हमारे जितने भी साधु हैं देखिए संस्कृति के संरक्षण की बात जो है वो संविधान में की गई है और हमारे साधु संत हमारी संस्कृति के चलते फिरते एम्बेसडर है उनकी सुरक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है मंदिर की और स्थानक की सुरक्षा बाद में है पहले हमारे साधु संतों की सुरक्षा होनी चाहिए जब वो विहार करते हैं आप जानते हैं हर साल कम से कम सात सौ साधुओं का रोड एक्सीडेंट के अंदर जो है देवलोक हो जाता है उनकी सुरक्षा की जो है हम बस जिस दिन अगर एक्सीडेंट हुआ तो हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं दूसरे दिन सब कुछ भूल जाते हैं इस तरीके का जो है ये एटीट्यूड जैन समाज का या जैन समाज की मानसिकता है लेकिन हम चाहें तो सरकारों को हर राज्य सरकार को ये आवेदन या ये, ये निवेदन दे सकते हैं डिमांड चार्टर दे सकते हैं कि हमारे साधु संतों की सुरक्षा कीजिए गिविंग रेफरेंस ऑफ द आर्टिकल ट्वेंटी ये बहुत आवश्यक है इसे कर लेना चाहिए और ये नॉन फिजिकल इशू है इस पर सरकार को भी बहुत ज्यादा कोई सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कोई प्रोसेस में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मैंने मुझे महाराष्ट्र में ये बताया गया कि इस तरीके का प्रावधान है लेकिन मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि इसका नोटिफिकेशन क्या है गवर्नमेंट ऑर्डर क्या है पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ लोगों को भेजकर ये तपास करने की कोशिश की कि भाई इस तरीके का कोई रिटिन आदेश है क्या ताकि हम दूसरे राज्यों के अंदर भी इसको ले जा मैं उसकी कॉपी वहां के मिनिस्टर्स को दिखाएं लेकिन ऐसा कुछ हाथ में नहीं आया है भले हाथ में ना आया हो लेकिन हमें हर राज्य में ये डिमांड कर लेनी चाहिए ये बहुत आवश्यक है ग्रांट फॉर रिनोवेशन एंड रिपेयरिंग ऑफ टेम्पल्स अभी तमिलनाडु के अंदर या सॉरी कर्नाटक में मिल रहा है बाकी राज्यों में तो कहीं नहीं है कुछ राज्यों में है वो कॉमन है जैसे मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है वहां पर एक जनरल स्कीम है कि कोई भी समुदाय का व्यक्ति उसके मंदिरों के लिए या मस्जिद के लिए रिपेयरिंग के लिए नगर परिषद नगर पालिका या म्यसिपल कॉरपोरेशन या जो है कलेक्टर को एप्लीकेशन दे सकता है लेकिन हम माइनॉरिटीज के लिए अलग से ये प्रावधान करना मांगते हैं क्योंकि हमारी डिमांड बड़ी है क्योंकि जैन समाज की धरोहर है जगह जगह बिखरी हुई पड़ी हुई है उनका संवर्धन आवश्यक है इसलिए हम इसकी अलग से मांग करें ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं स्मारक हैं उनके रखरखाव के लिए हम सरकार से डिमांड करें राज्य सरकार से कुछ डिमांड इसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो केंद्र सरकार से भी हो सकती है राज्य सरकार से भी हो सकती है ग्रांट्स एंड असिस्टेंस फॉर स्टेब्लिशिंग एंड मेंटेन म्यूजियम्स ये किया जा सकता है बिल्कुल ये होना ही चाहिए हमारी धरोहर में भी इसका प्रावधान किया है हम ये डिमांड करनी ही चाहिए और हर राज्य में या हर डिवीजन के अंदर जो पांच छह जिले हैं उसमें एक जगह जो है हमारा म्यूजियम छोटा बड़ा म्यूजियम होना ही चाहिए इस तरीके के हमें प्रयास करने की आवश्यकता है ग्रांड्स एंड असिस्टेंस फॉर रिसर्च एंड स्टडीज ये ग्रांट्स हम मांग सकते हैं रिसर्च स्टडीज का काम तो जैन समाज की अकेडेमीज में काफी कुछ होता है नई अकेडेमीज खोलने का भी जो है हम उसके लिए भी ग्रांट्स मांग सकते हैं जैनोलॉजी डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटीज ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों जैन स्कॉलर्स तैयार होंगे तो ही हम विश्व के अंदर महावीर के सिद्धांतों को ले जा सकेंगे ये बहुत जरूरी इसको समझने की आवश्यकता है मित्रों पूरे विश्व के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं हर देश की मिलाकर 200 देशों के अंदर उसमें सिर्फ 20 यूनिवर्सिटीज में ओनली 20 यूनिवर्सिटीज ऐसा कहा जाता है कि जेनोलॉजी डिपार्टमेंट कुछ में चेयर है लेकिन फुल फ्रेज डिपार्टमेंट बी है जबकि बौद्ध दर्शन विश्व की 200 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है मित्रों ये आंकड़ा मुझे मद्रास यूनिवर्सिटी की जेनोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर प्रिय दर्शना ने मुझे दो साल पहले दिया था हो सकता है कि बीस की जगह आप शायद बाईस हो गए हों लेकिन कहने का अर्थ ये है कि हमने इस पर कहीं कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है इसके लिए डिमांड करने की आवश्यकता है हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं जो यंग एज के अंदर यदि पीएचडी कर रहे हैं या एम कर रहे हैं तो उनके लिए कहीं कैरियर का ऑप्शन होने चाहिए तो यदि डिपार्टमेंट है तो उनमें वो खप सकते हैं ये बात हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है फेलोशिप टू रिसर्च हम ये राज्य सरकार सरकार से से भी भी मांग मांग सकते सकते हैं हैं केंद्र मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से भी मांग सकते हैं यूजीसी से, से, से भी मांग सकते हैं और जो यूनिवर्सिटीज में जो जेनोलॉजी डिपार्टमेंट है वो भी इसके लिए डिमांड सरकार के सामने रख सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस टू होल्ड वर्कशॉप सेमिनार्स अभी जिस तरीके से आज ये सेमिनार हो रहा है ये तो फिजिकल नहीं है लेकिन फिजिकल सेमिनार्स इस तरीके के चाहे वो जैन धर्म को या सिद्धांतों को प्रोपोगेट करने के लिए हो या समाज के भीतर ही कुछ यूनिटी या और कुछ बनाने के लिए हो इस तरीके की या लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए या स्क्रिप्ट के प्रमोशन के लिए भी इस तरीके के सेमिनार का आयोजन हम करें और उसके लिए सरकार से फंडिंग लिया जा सकता है ईयर मार्क बजट फॉर प्रोविजन ऑफ रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज ये इस तरीके का भी हम ईयर मार्क बजट राज्य से मांग सकते हैं ग्रांट फॉर पिलग्रीमेज फॉर कैलाश मानसरोवर जब हज के लिए पैसा मिल सकता है जेरूसलम के लिए मिल सकता है तो निश्चित तौर पर अगर हम डिमांड करेंगे तो क्योंकि ये तिब्बत में है भगवान आदिनाथ की निर्वाण स्थली वहाँ जाते भी हैं अभी तो कुछ बन सा है लेकिन ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चाइना के साथ हमारे ट्रुप्स या यात्री पिछले वर्षों में जाते रहे लेकिन इसके लिए हमें सरकार से जो है सब्सिडी जैन समाज के लिए मांगने की आ, मांगी जा सकती है रिकोगशन टू प्राकृत संस्कृत एज वन ऑफ दी लैंग्वेज फॉर टीचिंग इन जैन एजुकेशन इंस्टीट्यूट मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण इसे समझना चाहिए कि अभी हम हमारी लैंग्वेज से कहीं पीछे ना हटें और आ, अभी आ, प्राकृत के बारे में तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता कि अब उसकी यूटिलिटी वर्तमान संदर्भों में कितनी है लेकिन जहाँ तक संस्कृत का सवाल है वो हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज रही है ये ये लैंग्वेज जो है आने वाले समय में विश्व की लैंग्वेज बनने वाली है क्योंकि ये मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज है और जो आने वाले समय के कंप्यूटर्स हैं जो छठी और सातवीं जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर यही भाषा प्रयुक्त Uh, होगी या मतलब कुछ कंप्यूटर्स में जर्म, जर्मनी आदि के अंदर तो कुछ हो भी रहा है वहां संस्कृत पढ़ाई जाती है इंग्लैंड के अंदर संस्कृत पढ़ाई जाती है लेकिन हम हमारे बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ा रहे अभी हमने ये जब अनुच्छेद या अधिकारों की बात की थी, थी तो मैंने ये कहा था कि हमारे शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हमारे अधिकारों को परिपूर्ण कर सकते हैं तो साथियों ये संस्कृत यदि पढ़ाई जाए एज एज ए वन लैंग्वेज दो लैंग्वेज पढ़ानी होती है उसमें से एक लैंग्वेज यदि संस्कृत हम अप्रूव करा लेते हैं बोर्ड से या राज्य सरकार से तो देखिए दो एडवांटेज है एक तो ये है कि वो स्कोरिंग लैंग्वेज है और पूरा का पूरा सो में से सौ मार्क्स मिल सकता है और अभी जो है कॉम्पिटिशन का जमाना है ये एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा ये है कि अभी जैन समाज के अधिकांश युवा जो इंजीनियरिंग करते हैं वो आईटी या कंप्यूटर साइंस के अंदर करते हैं और अभी जब बीटेक या बीई करने के बाद उन्हें सबसे पहले लैंग्वेज सीखनी होती है जावा आदि लैंग्वेज सीखते हैं अब जो है उन्हें संस्कृत भी सीखनी पड़ेगी कंपलसरी हो जाएगा अदरवाइज कितना भी अच्छा इंजीनियर हो मेरिट में पास हुआ हो गोल्ड मेडलिस्ट हो लेकिन जब तक उसे संस्कृत नहीं आती होगी उसे नौकरी नहीं मिलेगी ये स्थितियां बढ़ने वाली है और यदि हम इसके लिए अभी से प्रयास करें तो जो है बहुत अच्छा हो सकता है बैन ऑन स्लोटर हाउसेज ड्यूरिंग पॉलूशन इसके लिए राज्य सरकारों से हम डिमांड करें दिन का ऐसा नहीं कि भाई हम श्वेता है तो डिमांड तो करने की आवश्यकता है देखिए डिमांड करेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस खुलकर बाहर आता है वो बहुत जरूरी है लोगों को पता पड़े कि जैन समाज क्या कर रहा है क्या एक्टिविटीज भले हम ना आवे सड़क पर प्रदर्शन करना शायद जैन समाज की फितरत नहीं है मैं भी मानता हूं इस बात को और डरते भी हैं हम लोग क्योंकि हम जो थोड़े भीरू लोग हैं बोल्डली हम बाहर नहीं आ सकते हैं जरूरी है इस इस देश की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं या राजनीतिक व्यवस्थाएं उसमें हमें प्रदर्शन करना आना ही चाहिए लेकिन अभी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम हजारों ईमेल कर सकते हैं उससे भी जो है हम प्रेशर बना सकते हैं इस तरीके के प्रयास करने की आवश्यकता है।, है, है और यदि ये जितने भी सजेशंस हैं इस पर यदि हम कहीं फोकस करते हैं कि नहीं ये तो हमें करना है हमारा उद्देश्य बनाए है कि हमारा समाज ये तो करेगा इस राज्य के अंदर ये लेकर रहेगा तो निश्चित रूप से हम विश्व के अंदर एक शांति के दूत बनकर देश देश में जा सकते हैं उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं टूरिज्म जैन टूरिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के ब्रोशर में जो पर्यटन विभाग का कैटलॉग है या ब्रोशर है उसमें भगवान बाहुबली की फोटो जो है परमानेंट है कई वर्षों से और जितने भी देश विदेश से कर्नाटक में पर्यटक आते हैं उनको बाहुबली तक ले जाने का प्रयास सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है हर राज्य के अंदर जैन धरोहरें इतनी है उन, उनको जो है पर्यटन के रूप में कहीं विकसित किया जाए इसके प्रयास भी हमें करने चाहिए और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि मिनिस्ट्री जो है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री वो हर राज्य में अलग से होनी चाहिए अभी देखिए सिर्फ कर्नाटक में जहां तक मेरी नॉलेज में है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अलग है सेपरेट है वो पिछड़े विभाग या एस सी विभाग से डिफरेंट है अलग है और बाकी सब राज्यों के अंदर मतलब पिछड़ी जाति विभाग उसी के अंदर जो है माइनॉरिटी भी डाला हुआ है और यदि उनकी योजना में जाए तो एका छोटी मोटी योजना माइनॉरिटी के लिए बाकी सब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए राज्य सरकारों की योजना है हमें बजट अलग से चाहिए और हमारे लिए अलग से मिनिस्ट्री होनी चाहिए इस तरीके के प्रयास करने की आवश्यकता है और खास करके ऐसे राज्य मैं कुछ राज्यों के नाम भी आपको दे सकता हूं जिसमें दिल्ली भी हो सकता है राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटका ये राज्यों के अंदर जैन समाज की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जनसंख्या है जैन समाज की उसके अंदर ये जो चौवालीस लाख का आंकड़ा आता है ये तो कहीं भी रह जाएगा इतनी हमारी जनसंख्या है मेरा एस्टिमेट है कि हम ढाई तीन करोड़ से कम नहीं है और जो है अगर हमने अभी हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर समय हो रहा है थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा इसकी वजह से भी डिले हुआ स्टार्टिंग भी थोड़ा लेट हुआ है लेकिन आप पेशेंस रखेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला है इसमें जो है आप अंत तक बने रहेंगे ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना भी है तो ये डिमांड करने की आवश्यकता है कि हमारे लिए अलग से चाहिए ये धार्मिक अधिकारों के अलावा सामाजिक उत्थान विकास महिलाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए हम और राज्य सरकारों से क्या मांग सकते हैं इसके लिए भी आपसे अलग से हम चर्चा कर सकते हैं या मुझे आप फोन करके इसके बारे में भी टेलीफोन के ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं साथियों अभी हमने अधिकार भी समझे और लाभ भी समझे लाभ किस तरीके से लिए जा सकते हैं कौन से लाभ लेने हैं और वो क्यों जरूरी है इस पर कहीं मंथन करना चिंतन करना या ब्रेन स्टोरमिंग करना मित्रों बहुत सीधी सी बात है कि अब हमारी बारी है कि हम समाज के प्रति संवेदनशील हो समाज के प्रति उत्तरदायी बने ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा ट्रेंड आ गया है कि समाज के प्रति हम उत्तरदायी नहीं है उसका एक ही कारण मैं समझता हूँ सामाजिक विश्लेषक होने के नाते मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे जैन समाज में समाज ही मिसिंग है इसलिए हम जो है सामाजिक उत्तरदायित्व तो लेने से टकराते क्योंकि हमारा जो सामाजिक जो समाज का जो ताना बाना है वो मंदिर या स्थानकों से कंट्रोल हो रहा है जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था तो वहां कोई जो है सामाजिक सोच डेवलप नहीं हो पाती है ये जो है बहुत बड़ा लेकुना है और इससे हमें कहीं बाहर निकलने की आवश्यकता आज आवश्यकता है कि हम एक साथ बैठे यूनाइट हो हम जो है सरकार से कुछ भी मांगे क्योंकि एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि जैन समाज को जो माइनॉरिटी का दर्जा मिला है वो सिर्फ जैन समाज को मिला है वो किसी श्वेतांबर या दिगंबरों या स्थानकवासी या तेरापंथी को नहीं मिला हमें मिलकर ही काम करना पड़ेगा चाहे हमारी जो है विचारधाराओं में थोड़ा बहुत परी जो है हमारे भगवान तो एक ही हैं महावीर के सिद्धांतों को भी हम मानते हैं उनकी जो है सिद्धांतों को मानने की अवधारणाओं के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो डिफरेंसेस हैं जो जो कहीं भी सॉल्व किए जा सकते हैं और बिना सॉल्व किए भी हम सरकार से ही सब मैटर टेकअप कर सकते हैं इस तरीके के प्रयास हमें करने चाहिए हमें जुड़ने की जरूरत है यूनाइट होने की जरूरत है और मित्रों मैं बार बार कह रहा हूं हमारी एग्जिस्टेंस को बहुत बड़ा खतरा है अभी तो विश्व को भी खतरा है एक कम्युनिटी इतनी डेवलप हो रही है पॉपुलेशन वाइज कि आने वाले समय में यह गारंटी नहीं है और एक कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है पहले हमारे मंदिर तोड़े गए अब जो है क्या किया जाएगा उनके साथ पच्चीस साल की देर है सिर्फ पच्चीस साल इंतजार कर लीजिए शायद हो सकता है बीस साल में भी हो जाए हम जो है क्योंकि हम प्रतिकार नहीं कर सकते वो हमारी संस्कृति नहीं हम सबसे ज्यादा इस देश में सबसे बड़े सॉफ्ट टारगेट के रूप में हम विकसित हुए और जब भी कोई जो है बड़ी मछली आ जाएगी वो हमें दबा जाएगी ये निश्चित मानना उसके पहले जितने भी अभी हमने प्रक्रिया या अधिकार बताए या लाभ लेने की बात की उनके माध्यम से हम कुछ बड़ी मछली बनने का प्रयास कर सकते हैं बी अबो सेल्स हम अपने से ऊपर उठे ये बहुत आवश्यक है अभी अः ये सबकी अपनी ढपली है अपनी राग है और ए, एक एक पंथ के अंदर भी जो है सैकड़ों ढबलिया बज रही है ये ये कहाँ हम खड़े हैं मित्रों ये बहुत हम सेल्फिश से हो गए हम अपने से बाहर निकलने की प्रयास ही नहीं करते ऐसा क्यों है ऐसी मानसिकता क्यों बनी समझ में नहीं आता है मित्रों मछली के छोटे छोटे बच्चे जो जिन्होंने जिनको जन्म लिए कुछ ही दिन हुए थे उन्होंने उनकी माँ से पूछा कि हम पानी में क्यों रहती जमीन पे क्यों नहीं रहते तो मछली ने उत्तर दिया कि वाटर फॉर फिश एंड लैंड फॉर सेल्फिश मित्रों ये स्थिति जो है आ, हमारे साथ बनी हुई है हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हम अपने से निकल के बाहर नहीं आना चाहते हैं सब जियो जी और का अर्थ हमने ये लगा लिया कि हम तो जी रहे तुमको जैसे जीना हो जियो मरते हुए जीना है तो मरते हुए जियो हमें कुछ लेना देना नहीं है हम महावीर के साथ भी जो है धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आ रहे हैं मित्रों कहीं हमें सोचने की आवश्यकता है इनिशिएट करें आगे आए वो व्हाट्सअप वाला ट्रेंड हो गया ना कि कुछ आया और आगे भेज दिया कि बस हमारी तो ड्यूटी पूरी हो गई उसको करना हो तो करेगा वो उससे काम नहीं चलने वाला हम सबको मिलकर ये जितने भी अधिकार है माइनॉरिटीज के और हमारी संस्थाओं को मंदिरों और स्थानकों को सुरक्षित करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे ये बहुत आवश्यक है सेव दी कल्चर हमारी संस्कृति क्योंकि वो हमारी जड़ें हैं अगर वो जड़ें हिलती हैं तो फिर जो है वो हमारा एग्जिस्टेंस कहीं रहेगा नहीं उसको सेव करने की जरूरत है हमारी नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति से जो है वो परिचित करवाने की आवश्यकता है उसकी वो प्रैक्टिस करें ये आवश्यक है और एंश्योर हमारे एग्जिस्टेंस को हम सुदृढ़ कर लें आवश्यक है मित्रों एग्जिस्टेंस को जैसा मैंने बार बार बीच बीच में बोला है बहुत से कारण से एग्जिस्टेंस है और एक कारण ये भी है कि हमारी जो वैचारिक मतभेद है वो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है दूसरी तो जो जो मैंने सब बात की वो बाद में है हम खुद ही हमारी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है तो इससे कहीं बाहर निकलने की आवश्यकता है साथियों अः समय बहुत हो गया है लेकिन एक बहुत ही सिर्फ हार्डली दस मिनट के अंदर लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जैन सेंसस वर्सेस नेशनल सेंसस ये चिंतनीय विषय है क्योंकि हमारी जो जनसंख्या अभी मैंने स्टार्टिंग से जो जनसंख्या की बात की और 40 लाख का या 45 लाख का आंकड़ा दिया पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ये जो बात कही तो ये क्योंकि ये सही आंकड़ा नहीं है ये कपोल कल्पित आंकड़ा है सही आंकड़ा क्यों नहीं आया वो हम जानते हैं क्योंकि हम अपने पति जो है जवाबदार नहीं रहे आज तक इसके लिए ये आंकड़ा आ रहा है आ, ये देखिए 2011 का आंकड़े का आ, ये एक टेबल आपके सामने है इसमें 2011 में जो मृदुम चुमारी हुई या जनगणना हुई राष्ट्रीय जनगणना उसमें 121 करोड़ की आबादी हमारी आई थी पूरे देश की और उसमें हिंदू जो है वो नाइन्टी करोड़ थे छियानवे करोड़ बासठ लाख जो है हिंदू थे और उसके अंदर मुस्लिम सत्रह करोड़ बाईस लाख थे और जैन समाज चौवालीस पॉइंट बावन लाख मैंने साढ़े चौवालीस लाख जैन थे अभी ये जो हमारा आंकड़ा है ये बढ़ता नहीं है एक तो इसका कारण ये भी है कि जैन समाज के जो कपल्स हैं उनकी जो प्रजनन दर है वो दो से भी कम है मतलब अन्य सभी धार्मिक समुदाय या दूसरी जातियों प्रजातियों में यदि प्रजनन दर प्रजनन दर बर्थ रेट सबसे कम जो है वो जैन समाज का है वो जो डेढ़ डेढ़ से भी नीचे जा रहा है ये एक बहुत चिंता का विषय है जिस पर जैन समाज के लीडर्स को जो है कहीं फोकस करने की आवश्यकता है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए यदि हमारी एग्जिस्टेंस को हमें संभाल कर रखना हो तो मित्रों ये एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट है हर दस साल के अंदर अः मधुमशुमारी होती है जनगणना होती है उन्नीस से लेकर 2011 तक के आंकड़े हैं और इसमें जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का क्या प्रपोर्शन है वो बताने की कोशिश की गई है और बहुत इंटरेस्टिंग है और समझने जैसा है यहां पर भी बहुत सारे खतरे सिर्फ जैन समाज पर ही नहीं दूसरे समाजों पर भी मंडरा रहे हैं ये समझने की आवश्यकता है ये देखिए उन्नीस में हिंदू कुल जनसंख्या के 84 परसेंट थे अब वो घटकर 79.80 परसेंट 2011 में ये बहुत गंभीर मामला है एक हिंदू राष्ट्र की जनसंख्या कम होना ये क्या इंगित करता है इसको हम अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है इस्लाम ये उन्नीस में 9.8 परसेंट था ये बढ़ते हुए 14.23 परसेंट हो गया है और अब तो ये आशंका जताई जा रही है कि ये लगभग लगभग चार प्रतिशत से इस बार की आबादी में और बढ़ जाएगा कम से कम ये अट्ठारह प्रतिशत से कम किसी भी हालत में नहीं रहेगा और क्रिश्चियनिटी लगभग स्टेगनेंट है ये 2.30 पॉइंट में भी थी और अभी भी 2.30 है सिख देखिए हिंदुओं के अनुभागों की या सेक्शंस की क्या स्थिति है वो देखते हैं सिख जो है ये 1.79 परसेंट उन्नीस सौ में थे अब ये थोड़े से घटे हैं बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ये भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है और बुद्ध बुद्ध भी जो है ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है पॉइंट सेवन फोर फिफ्टी वन में थे अब ये पॉइंट सेवन जीरो हो गए हैं और मुस्लिम समाज की जो आबादी बढ़ रही है उसके संदर्भ में हमारे सभी इन समुदायों की प्रोपोर्शन काफी कम अगली जो है सेंसस में होने जा रही है जो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर चिंतन का विषय है और मित्रों जैन समाज की बात करें तो हम उन्नीस में पॉइंट परसेंट थे जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम आधा प्रतिशत से कभी ऊपर गए ही नहीं नीचे ही नीचे, नीचे रहे हैं और ये जो है अभी हम पॉइंट या पॉइंट परसेंट मित्रों ये एक बहुत बड़ी समस्या है जैन समाज की जिसे हमने आज तक समस्या के रूप में देखने का प्रयास ही नहीं किया मित्रों जैन समाज की जो एक सबसे बड़ी समस्या वो यही है कि हमारे पास वो चश्मा नहीं है कि हम हमारी समस्याओं को समस्या के रूप में समस्याओं के रूप में देख सके इसलिए जो है सारी गड़बड़ हो रही है आ, लेकिन मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या हम ये विश्वास करते हैं कि जो अल्पसंख्यक अल, जैन समुदाय का आंकड़ा जो हर दस साल के अंदर राष्ट्रीय जनगणना में आता है वो कपोल करती वो सही नहीं है तो उत्तर निश्चित तौर पर ये आता है कि हाँ ये सही नहीं है अब सही नहीं है तो सही कितना है और सही क्यों नहीं आता है इसके पीछे जवाबदार कौन है क्या कारण है वो सब समझने की जरूरत है लेकिन हमें इतना समझना चाहिए कि ये जैन समाज की बहुत क्रूशियल प्रॉब्लम है और इसको हमने समस्या के रूप में नहीं देखा देखिए पिछले दो मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले दो जो जनगणना हुई 2001 में और 2011 में हमारे कुछ राष्ट्रीय संस्थाओं ने चाहे वो किसी भी पंथ की हो उन्होंने ये प्रयास किए कि हम जैन धर्म के कॉलम में जो कोड प्रेस्क्राइब किया गया था वो लिखें हम हमारे जो है जैन हिंदू या इस तरीके का कुछ नहीं लिखें सिर्फ जैन लिखें और ये कोड डालने की आवश्यकता है लेकिन किसी ने भी वो बात सुनी नहीं उसको डाइजेस्ट नहीं किया समझने की कोशिश नहीं की नहीं किया उसका नतीजा ये रहा कि हमारी आबादी बढ़ते हुए भी आबादी हमारी ज्यादा है फिर भी वो कम आबादी ही आ रही है हम ढाई करोड़ से तो कम किसी हालत में नहीं है ये हमें मानकर चलना चाहिए और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि अब दो में जो है ये जनगणना होने वाली है इस साल शायद थोड़ी लेट शुरू हो क्योंकि जो राजनीतिक स्थितियां है देश की या पेंडेमिक की वजह से ये शायद थोड़ा लेट शुरू होगा हो सकता है कि 2022 के बिगिनिंग में हो हमारे पास एक वर्ष का समय है और हम ये ड्राइव एक अभियान या आंदोलन जो है वो स्टेब्लिश कर लें उसको जो है लॉन्च कर लें कि हमें हमारी जनसंख्या का सही आंकड़ा लगा देना मित्रों इस बार बहुत ईजी है क्योंकि इस बार जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से जो अभी तक होता था जनगणना का कार्य वो नहीं होगा अब अभी सरकार ने बजट में भी यह घोषणा की है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से सेंसस का काम होगा और उसके लिए सरकार ने छत्तीस हजार तीन हजार छह सौ करोड़ का प्रावधान भी किया खर्चे का मित्रों जैन समाज शिक्षित समाज है हमारे हर नगर शहर के अंदर जो है टेक्नोक्रेट्स हैं युवा साथी हैं स्टूडेंट्स हैं जो मोबाइल से या टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छी तरीके से यूज टू है हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी कि किस तरीके के इस ऐप से जैन समाज के प्रत्येक परिवार का आंकड़ा भरा जाएगा ये जवाबदारी हमारे युवा साथियों को लेनी पड़ेगी इस तरीके का हम एक ड्राइव चलाएंगे और उसका कोई बैनर नहीं होगा क्योंकि मित्रों हमारा जहां बैनर आ जाता है है ना वहां हमारे में फूट पड़ जाती है। लेकिन हम बैनर से उठ के एक कॉमन एजेंडा जो है तय कर देंगे कि ये ट्रेनिंग इस तरीके से देनी है हर राज्य के अंदर जहां जहां जिस संस्था का प्रभाव है वो अपने बैनर में काम करे हर शहर हर गांव हर गांव के मोहल्ले में के हमारे जो है नेटवर्किंग इसका जो है तैयार करना पड़ेगा वहाँ के जो साथी हैं युवा साथी हैं विद्यार्थी हैं उनके नाम हमारे पास होंगे जैसे ही इसका ऐप जो है सरकार घोष गोश, घोषित करेगी उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाकर हमारे युवा साथियों को हम ट्रेंड करेंगे ऐसा हमारा विचार है और हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे लेकिन ये कंस बननी चाहिए कि हाँ हम काम करेंगे मित्रों अभी हम जो है इस तरीके की प्रार्थना करते हैं Uh, सिर्फ मैं नहीं या भारतीय जनसंगठना नहीं या और भी संस्थाएं करती हैं तो लोग जो है किस तरीके से उसको uh, रिएक्ट करते हैं बोलका साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो हमारी कोई सहायता हो तो बोलिएगा हमें आपकी सहायता नहीं चाहिए आपकी रचनात्मक भूमिका चाहिए आपका रोल होगा और वो भी कॉन्क्रीट रोल होगा तो निश्चित रूप से हम ढाई करोड़ के आंकड़े पे इस साल पहुंचेंगे कमर कस लीजिए संकल्प कर लीजिए कि ये काम तो हमको करना ही है अगर नहीं करेंगे तो जो है फिर देख लीजिए ये लास्ट मौका है उसके बाद कोई ट्राई नहीं करेगा अगर इतनी टेक्नोलॉजी से यूज टू आ, हमारी युवा पीढ़ी है और उसके बाद भी अगर हम ये नहीं कर पाए तो निश्चित मानना कि फ्यूचर में हम कहीं नहीं कर पाएंगे और मित्रों करना क्यों जरूरी है एक तो जो है आ, वोट बैंक अगर हम ढाई तीन करोड़ पे पहुंच गए तो निश्चित रूप से जो है देखिए अभी आ, मैं वैसे किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं लेकिन मैं अभी न्यूज सुनता हूं क्योंकि जिस तरीके से देश में राजनीतिक उथल पुथल है तो जाट जो है वो पूरे देश में तीन करोड़ के आसपास है और उनको जो है अभी से किस तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है वो जो है आ, हमारे सोशल मीडिया या चैनल्स न्यूज चैनल्स के माध्यम से हमको जो है परोसा जा रहा है आ, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कहने का मतलब ये है कि यदि हमने अपने आप को ढाई तीन करोड़ से स्थापित कर लिया तो हम वोट बैंक में आ जाएंगे और हमारी जो भी मांगे हैं वो एक दिन में जो है पारित हो जाएंगी पास हो जाएंगी उसको कोई रोक नहीं सकता है अभी चुनाव आने वाले हैं बहुत सारे राज्यों में यूपी में बंगाल में तमिलनाडु के अंदर और भी एक दो राज्यों के अंदर आने वाले हैं जहां जैन समुदाय बहुतायत में रहता है ये दिस इज प्रॉपर टाइम कि हम जो है जितनी भी पार्टियां उनसे नेगोशिएट कर लें कि हमारी डिमांड है बोलो आपको वोट चाहिए तो हम, जो है बिल्कुल सौदेबाजी करने की जरूरत है डरने की जरूरत नहीं है ये निश्चित रूप से ये जितनी भी हमने डिमांड्स मांग मैंने आपको सजेस्ट किए हैं इसमें से हम अधिकांश पास करवा सकते हैं उसके लिए हम एश्योरेंस ले सकते हैं अभी जो वर्तमान में जो भी सरकार है उससे भी बातचीत की जा सकती है कि यदि आप दोबारा आते हैं और आपको हमारा वोट चाहिए तो आपको ये जो है हमें देना होगा अगर इतने अगर हम स्ट्रांग हो गए तो निश्चित रूप से मानना कि हमारा समाज एक बार फिर से ढंग से खड़ा हो जाएगा हम मानते हैं कि हमारा समाज खड़ा है लेकिन ये हमारा भ्रम है करेक्ट फिगर ऑफ पॉपुलेशन का सीधा सरकारी लाभों से उसका इम्प्लीकेशन है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है आइए इस टेबल से देखते हैं और समझने जैसी है ये देखिए ये रिलीजियस सेंसस प्रोपोर्शनेट रेट ऑफ माइनॉरिटी बेनिफिट माइनॉरिटी का जितना भी बजट है वो जनसंख्या के अनुपात में छह समुदायों के बीच में बांटा जा सकता है ये देखिए यहाँ ब्लैक इंक में सौ रुपए का जो है आवंटन किस तरीके से हो रहा है ये 2001 में मुस्लिम समाज को इकहत्तर रुपया अड़तीस पैसा जाता था मतलब सौ रुपए का अलोकेशन हुआ तो इकहत्तर रुपया अड़तीस पैसा मुस्लिम समाज ले जाता था क्योंकि उनकी पॉपुलेशन का प्रपोर्शन उतना बड़ा है और अब 2011 के हजार सेंसस के बाद उनका ये प्रोपोर्शन बढ़कर तिहत्तर रुपया अड़सठ पैसा हो गया और क्रिश्चियंस का भी कम हुआ है थोड़ा बारह अड़तीस की जगह ग्यारह नाइन रह गया सिख समुदाय का भी जो है काफी एक रुपया कम हुआ है बुद्धिस्ट का भी जो है ये एक कुछ पैसों में घटा है सबका घट रहा है क्योंकि सबकी जो है वो अनुपातिक जनसंख्या है वो घट रही है सिवाय सिर्फ मुस्लिम समाज की बढ़ रही है हिंदू समाज की भी घट रही है जो चिंता का विषय है और जैन समुदाय को पहले दो रुपया अठारह पैसे मिलता था सौ रुपए में से अब एक रुपया नब्बे पैसे मिल रहा है यदि हमने जनसंख्या सही नहीं करी और वही जो है ढाक के तीन पात्र तो मानना कि ये एक रुपये साठ पैसे पर पे चला जाए यदि इसको मैं इन इन टर्म ऑफ अमाउंट नहीं मैं इसको स्कॉलरशिप यदि सो स्कॉलरशिप जो है दी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने या राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विभाग ने तो उसमें से हमको सिर्फ अभी दो स्कॉलरशिप मिली हम ये ब्लेम तो करते हैं कि सब पैसा जो है मुस्लिम्स ले जाते हैं ये सरकार की नीति है या तो हम झगड़े कि साहब ये जो है आपका बेस चेंज करिए प्रोपोर्शन के आधार पर नहीं छोड़ेगा हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको सेफ करना है उसके लिए जो है तो उसके लिए तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी हम तो ये कुछ विषय समझने के लिए तैयार नहीं तो इतना ज्यादा तो क्या करेंगे बहुत मुश्किल लगता है लेकिन यदि हमारी सही आ गई देखिए यहाँ पर सिख समुदाय की जो आबादी है वो करीबन पौन, पौने तीन करोड़ के आसपास है और उन्हें नौ नौ रुपए मिल रहा है यदि हमारी आबादी ढाई तीन करोड़ रुपए आ जाती है तो ये लगभग आठ से दस रुपये हमें सौ रुपये में मिलेगा मित्रों एक तो हमें लेट मिली अल्पसंख्यक था दर्जा बहुत लेट मिला इतने सालों में जो हमने लॉस किया उसका तो जो है हम वैल्यूएशन कर नहीं सकते और अभी हमारी गलती की वजह से हमारी गफलत की वजह से हमारी लापरवाही की वजह से जो ये नुकसान हो रहा है क्योंकि हमने कभी प्रयास किया ही नहीं कि हमारी जनसंख्या जन सही आए वो हमने उत्तरदायित्व तो नहीं समझा और उसकी वजह से अब जो है ये नुकसान हो रहा है तो इसकी भरपाई के लिए जिम्मेवार कौन ये समझना जरूरी है और अगर हम अभी भी सही कर ले देखिए जैन समाज गांवों में रहता है वैसे जैन समाज का जो यूथ है जो विद्यार्थी है उसे वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है और उसे बहुत सपोर्ट क्योंकि अंडर प्लेश मेमरीज गांवों में ज्यादा है उन्हें सपोर्ट की भी आवश्यकता है तो ये अगर हम समाज के युवा वर्ग क्योंकि देखिए समाज बनता है युवाओं से आने वाली पीढ़ी जो हमारी जो पीढ़ी है नई जनरेशन यदि वो स्ट्रांग है और एजुकेशनली और एकेडमिकली यदि वो स्ट्रांग है तो जो है बहुत बड़ा काम हो सकता है और वो करने की आवश्यकता है साथियों अभी 2021 में जो है अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है हमें उसको कहीं भुला नहीं देना है उस पर काम करने के लिए कमर कसने की आवश्यकता है मैं मेरा अभी ईमेल आई डी दूंगा और आ, मेरा टेलीफोन नंबर दूंगा ऐसे साथी जो जुड़ना चाहते हैं काम करना चाहते हैं चाहे वो सेंसस के ऊपर अपनी कोई रचनात्मक भूमिका की बात कर सकते हैं या सरकार से कुछ मांगने में चाहे वो वकील हो तो ड्राफ्ट किस तरीके से बनाना है डिमांड चार्टर का या क्या क्या चीजें जो है हमें मांगनी है किन संदर्भों में मांगनी है उस पर जो है पूरा ब्रेन स्टोर्मिंग हम राज्यवार कैसे करें उस पर कहीं काम करने की आवश्यकता है साथियों अभी डिजिटली होने वाला है ये सेंसस का काम और हम आसानी से कर सकते हैं सिर्फ हमारे संकल्प की आवश्यकता है साथियों हम जागे जागने की आवश्यकता है अगर हम नहीं जागे अब भी तो बहुत जो है पानी सिर से गुजर चुका है वो रामायण में एक पात्र था कुंभकर्ण छह महीने सोता था यहाँ तो वर्षों हो गए सोते हुए कब जागेंगे पता नहीं ऐसा नहीं हो जागो दोस्तों उठो और रुको नहीं जब तक हम गोल प्राप्त नहीं कर ले अभी ढाई करोड़ की आबादी तक पहुंचने का हमारा गोल निर्धारित करें और हमें पहुंचना है ये कोट स्वामी विवेकानंद का है बहुत प्रासंगिक है जैन समाज के लिए हमें कहीं विचार करना चाहिए साथियों मेरा ये नंबर है मेरा ईमेल आईडी है इसे नोट करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे संपर्क करें हमारे जितने भी भारतीय जैन के पदाधिकारी हैं हस्तिमल जी अभय सेठिया जी और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक श्री रमेश ओसवाल पूना से उनके नंबर भी आपको चैट बॉक्स पे मिल जाएंगे उनसे संपर्क करें और आपकी भूमिका क्या रहेगी इन सब के संदर्भ में वो जो है कहीं आप नोट कराएं आने वाले समय में हम संपर्क भी करेंगे आपकी सेवाओं का लाभ भी लेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका जो योगदान है या कंट्रीब्यूशन है वो बहुत महान है साथियों मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपने समय निकाला आपने सुना और इस पर कहीं चिंतन होगा गहन चिंतन होगा आपके लेवल पर इसे भूलना जाइए कोशिश करिए कि हम कुछ समाज के लिए कर सकें धन्यवाद